बोलिए बेटा बोलिए, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। हाँ जरूर जरूर जी, भाई रोड ही आएंगे। वंदना जी, हीरा जी को आपने मैसेज भेजा है? हीरा किसको? जी शाह को? हीराबेन को? हाँ, हीरा बेन को। हीरा बेन को मैं चेक कर लेती हूँ, ज्योति बेन भेजने वाले थे, मैं देख लेती हूँ। हाँ कि वो हमारे मेन उस पे, हमारे जलगांव आईडी पर वो जुड़े हुए हैं, और मैं ओ, उनको गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी। ज्योति बेन प्लीज आप हीरा बेन को आईडी बताइए। ज्योति बेन हैदराबाद। ज्योति बहन आपने भेज दी उनका आईडी? नहीं, ओके मैं आपको देख पा रही हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आंटी वन्ना जी, अंकल विनय अंकल, बोल में हाँ। आंटी सेशन हम थोड़ा शुरू करें एटलीस्ट नवकार मंत्र वगैरह के साथ में, और जब तक मंजू दीदी नहीं जुड़ते हैं तब तक हम क्या 45th नंबर की गाथा यहाँ पर ले लें? चलेगा, वंदना जी आप क्या बोलते हैं? हाँ चलिए, आप हीलिंग एटलीस्ट शुरू कर दीजिए। एटलीस्ट हम सभी इतने लोग जुड़ गए हैं, तो हम हमारा एक एक मिनट क्यों यहाँ पर इस तरीके से जी, स्टार्ट करें? तो चलिए, उनका उनका भी तो करना ही पड़ेगा, तब तक हम हीलिंग ले लेते हैं, दे लेते हैं। चलिए चलिए, दीदी अर्चना दीदी, सरिता जी और मंजू दी जब तक जुड़ते हैं तब तक हम थोड़ी देर के लिए हमारी 45th नंबर की गाथा का पाठ करते हैं। बोले आदिनाथ प्रभु की जय, मातंगाचार्य स्वामी जी की जय, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवर्चायणं, नमो लोए सर्वसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव पनाशनु, मंगलाडं च सर्वे सिंह, पद्मं हवई मंगलम, पद्मं हवई मंगलम। 45th नंबर की गाथा का हम पाठ करते हैं जब तक दीदी लोग जुड़ते हैं। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुवना, शोचां दशामुपगताश्च जीविताशा, त्वत्पादपङ्कज जलोऽमृतदिग्देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपाः, उद्भूत भीषण जलोधर भार भुवनाः, शोचां दशामुपगताश्च जीविताशा,
द्वदपाद पंकज जलोमृत दीग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोधर भार भोगना शोचां दशामुपगताश्युत जीविताशाः त्वदपाद पंकज रजोमृत दीग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपाः उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना शोच्याम दशामुप गताश्च्युत जीविताशः त्वदपाद पंकज रजोमृत दीग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना शोच्यां दशामुप गताश्च्युत जीविताशः त्वदपाद पंकज रजो मृत दीग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगनः शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजोमृत दीग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः ममता दीदी उद्भूत भीषण जलोदर पार भूना शोचां दशामुपगताश्रुत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजोमृत दीग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुवना शोचां दशामुपगता श्रुत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दीग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर पार भुना शोचां दशामुपगता श्रुत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजोमृत दीग्ध देहा
मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराये नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराये नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराये नमः। मिया जी ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण राय नमः। ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण राय नमः। ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण राय नमः। मेहा जी आंटी मंजू दीदी बस ज्वाइन हो रहे हैं। एक बता दी अर्चना दीदी तो हमारे बीच में आ चुके हैं। जी जी हेलो दीदी क्या करें दीदी का वेट करें कुछ देर और। अर्चना दीदी आप म्यूट हैं। म्यूट हो गया। हाँ मैं बोल रही थी शुरू कर दीजिए दीदी आएंगे तो अपन हीलिंग ले लेंगे दीदी से। जी जी ठीक है दीदी है बाहर भी जाना है अभी उन्हें जी जाएंगे तो ठीक है। जी दीदी सभी को सादर जय जिनेन्द्र। स्वीकार आमंत्रण किया रखा हमारा मान कैसे करे कृतज्ञता स्वागत है श्रीमान। आज इस वर्चुअल आईडी पर जुड़ी हुई सभी दिव्य भव्य आत्माओं का हम आईवीएस जलगांव परिवार की ओर से स्वागत करते हैं। हर शुभ कार्य की शुरुआत परम परमेश्वरी को नमन करके की जाती है तो मैं वंदना जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो नवकार मंत्र से शुरुआत करें। थैंक यू मेहा जी। नवकार मंत्र है न्यारा इसने लाखों को तारा
इस महामंत्र का जाप जपो, भव जल से मिले किनारा, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवझायाणम, नमो लोए सर्वसाहुणम, नमो लोए सर्वसाहुणम। एसो पंच नमुक्कारो सर्व पाव प्रणासनो मंगलाणं च सप्पीसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। थैंक यू पन्ना जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं 18 अक्टूबर 2021 यानी आज के दिन हमारा आईवीएस जलगांव ब्रांच को सक्सेसफुल रन करते हुए पूरा एक साल हो चुका है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिनकी मेहनत, आशीर्वाद और प्रेरणा से हम कई लोगों तक, घरों तक भक्तांबर पहुंचा पाए, हर घर भक्तांबरमयी हो पा रहा है। वे माननीय हस्तियां आज हम सभी को अपनी ब्लेसिंग्स, प्रेरणा एवं हीलिंग देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। भक्तांबर की ग्लोबल मदर यानी मंजू जी जैन, ग्लोबल गुरु अर्चना दीदी और हमेशा मुस्कुराते हुए रहती हुई हमारी ग्लोबल मदर ललिता जी सेठी, आप सभी का हम सुहृदय से स्वागत करते हैं। आए वो हमारे सेशन में कुछ इस तरह, आए वो हमारे सेशन में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे, देखकर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। तो चलिए हमारे बीच में उपस्थित दिलों की रानी, फिलोथ्रोपिस्ट, स्पिरिचुअल हिलर, सबको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाली मंजू दीदी का स्वागत करने के लिए मैं ममता जी काकरिया को आमंत्रित करती हूँ कि वे मंजू दीदी माल्यार्पण करें। सभी को जय जिनेंद्र। पहले मंजू दीदी के बारे में कुछ पंक्तियां कहते हुए बाद में हमें मंजू दीदी का स्वागत करूंगी। आप कहलाती थी भक्तांबर स्तोत्र द्वारा हीलिंग की जनक। आप है दी ग्रेट स्पिरिचुअल हीलर। आपकी प्रेरणा स्तोत्र, आपकी मदर, दर्द निवारक वृत्ति के दाता, आपके डॉक्टर फादर, भक्तांबर की महाशक्ति को किया आपने उजागर, समझाया जन जन को अपने ही अंदर छिपे सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन। क्यों भटकते हो बाहर आपने सिद्ध किया, क्यों भटकते हो बाहर आपने सिद्ध किया, भक्तांबर है प्रिवेंशन, भक्तांबर है बुलेट प्रूफ जॉकेट, भक्तांबर है मेडिसिन और भक्तांबरी है जीवन मंत्र विस्मय कारक। मंजू दीदी भक्तांबरी है जीवन मंत्र विस्मय कारक। मंजू दीदी भक्तांबर हीलिंग आपके लिए नहीं है केवल थेरेपी, यह है आपका पैशन, यह है आपका पैशन। देव गुरु की कृपा से हर रिद्धि मंत्र से परिचित आपका तन मन, देव गुरु की कृपा से हर रिद्धि मंत्र से परिचित आपका तन मन, आपकी यहाँ इवेंडेंस बेस्ट रेमेडी पहुंचे विश्व के कोने कोने तक। आप जिस ध्येय को लेकर बढ़ रही है आगे दुआ करते हैं, न पहुंचे केवल मंजिल पर
बल्कि हासिल करो स्पिरिचुअल हीलिंग का शिखर, स्पिरिचुअल हीलिंग का शिखर। ऐसी हमारी गुरु माँ मंजू दीदी का मैं टीका और माला से स्वागत करती हूँ। थैंक यू ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेहा जी आपके लिए जलगांव का एक साल पूरा होने के लिए आईवीएस के लिए बहुत बहुत बधाई। अर्चना विनय जी एवं पूरी जलगांव की टीम के लिए बहुत बहुत बधाई, अनुमोदना, और आपकी साल भर की जर्नी स्मूथ रही उसके लिए बहुत बहुत भगवान के लिए ग्रेटिट्यूड। थैंक यू दीदी। मैं मेहा से निवेदन करती हूँ कि हमारी ग्लोबल मदर ललिता दीदी आ गए। नहीं आए हैं आंटी, तो बन्ना जी आप अर्चना दीदी का स्वागत कर लीजिए। मेहा जी, थैंक यू मेहा जी। अर्चना दीदी हमारी गुरु हैं। अपनी गुरु को शत शत बार नमन करते हुए, अपनी बात चार पंक्तियों में कहते हुए मैं उन्हें माल्यार्पण करूंगी और नारियल प्रदान करूंगी। डूबतों के लिए मैं किनारा बनूं, डूबतों के लिए मैं किनारा बनूं, लड़खड़ाते हुओं का सहारा बनूं। आपसे हमेशा हमको मिली है प्रेरणा, जिंदगी में मैं भी कभी आपसी बनूं, जिंदगी में मैं भी कभी आपसी बनूं। मैं अर्चना दीदी को कुंकू का तिलक लगाते हुए माला पहनाती हूँ। अर्चना दीदी स्वीकार करो। थैंक यू, हमने तिलक भी लगा लिया, माला भी पहन दिया। जी दीदी। थैंक यू, सीपल भी ग्रहण कर लिया। जी दीदी। बहुत खुशी हो रही है आप सभी लोगों को एक साथ जलगांव वाले मंच पर देखकर। किस वो खुशी अपने शब्दों में बयां नहीं कर पा रही हूँ शायद मैं। अब मैं मेहा जी से अनुरोध करूंगी कि वो विनय भैया का स्वागत करें। आईवीएस के स्तंभ जो आईवीएस के रथ को निरंतर आगे बढ़ाते जा रहे हैं, हर आईवीएस के प्रोग्राम को मटेरियलाइज करने वाले श्री विनय जी जैन का हम सभी तहे दिल से स्वागत करते हैं। अंकल का भी हम माल्या पर अर्पण करके स्वागत करते हैं। अब मैं नेशनल और इंटरनेशनल पर्सनालिटी डॉक्टर मंजू जैन, जो हमारी मंजू दीदी हैं, वो कम समय के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं, इसलिए मैं प्रथम उनसे निवेदन करूंगी कि वे अपनी इस भक्तामर यात्रा के बारे में कुछ बताएं, एवं हमारे पार्टिसिपेंट्स जो आपके मुखारविंद से हीलिंग लेना चाहते हैं उन्हें अभिभूत करें। मंजू दीदी। जय जिनेन्द्र सभी को। उद्भूत भीषण जलोधर भार भोगना, सोच्याम दशाम पगताशत जीविताशा, त्वद पाद पंकज रजो मृत देख देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवते शत्रुपद्रो शांति कारिणी रोग कष्ट चरोपशमनम शांतिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय। सभी को जय जिनेन्द्र। और हमारे बीच में ललिता जी भी आ गए हैं। ललिता जी सिद्धायतन से ज्वाइन हो गए हैं, बहुत बहुत उनके लिए भी वंदन। और जर्नी तो जब चालू हुई थी आज यहाँ तक पहुंच गई है कि आज आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हमारे साथ आए हैं, और उनको लेके कल हम भक्तांबर डिवाइन श्राइन जहाँ बनाना है वो स्पॉट भी दिखाने गए थे, और वो कल दिन भर हमारे साथ थे, और आज भी अभी वो रामटेक रनाला हथकरघा के सब सेंटर्स देखने जा रहे हैं, और कल अर्चना विनय जी हम सब लोग आचार्य श्री से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, और शरद पूर्णिमा में उनकी भक्ति, चीफ मिनिस्टर भी परसों आ रहे हैं वहां पर।
तो बस ऐसे जर्नी तो क्या है, बस गुरुओं का आशीर्वाद है। जो भी हूँ आज गुरु कृपा से हूँ, साधुओं की भक्ति से हूँ, बाकी तो कुछ है नहीं अपने पास, लेकिन हाँ गुरुओं का आशीर्वाद है, गुरुओं की भक्ति से। बस यही कहूंगी कि जैसे जैसे आप चीजें छोड़ते हो तो अपने आप, पैसा छोड़ा तो रिजर्व बैंक पीछे पड़ गया जैसे जैसे तुम लक्ष्मी को छोड़ते हो ना, लक्ष्मी तुम्हारे पीछे भागती है, रिजर्व बैंक के गवर्नर ही आ गए कि क्या करना है, मैं आपके एडवाइजरी बोर्ड में आ जाता हूँ, मैं आपके साथ आ जाता हूँ। तो बस ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे अभी निकलना है। ओवर टू ललिता जी, ललिता जी बोलेंगी, वो जयपुर जाटपुर महावीर जी सब करके आ रही है। मंजू दीदी मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ, 5 मिनट रुकिए, पार्टिसिपेंट्स आपसे हीलिंग लेना चाहते हैं आपकी, और मैं मेहा जी से बोलती हूँ कि वो पहले ललिता जी का स्वागत करें। ललिता दीदी हमारे बीच आ चुकी हैं, मेहा जी। गरिमा मई व्यक्ति की धनी सोनल जी व अरिहंत जी की माता जी, अपने नाम के अनुरूप ललिता जी हसमुख स्वभाव की गुणी, जिनका जीवन ही समर्पण से ओतप्रोत व रचा बसा है, आप सर्वगुण संपन्न और धर्म कर्म यशा हैं। कोलकाता में रहने वाली हमारी ललिता दीदी बहुत उदार हसमुख व्यक्तित्व की स्वामी हैं, जिनका ग्रीन प्रोजेक्ट सिद्धायतन जो समेत शिखर जी में स्थित है, हाल ही में उसे 5 साल पूर्ण हुए हैं। दीदी ने 2688 बक्तांबर बीज अक्षर विधान कराया था, जिसे YouTube पर 1.5 लाख से भी ज्यादा लाइक मिले हैं। हाल ही में दीदी ने सिद्धायतन में 3 Days 2 Nights के लिए IVS सेमिनार में हम सभी हीलर का जोरदार स्वागत एवं शानदार व्यवस्था की, विविध पूजाओं का आयोजन कर हम सभी को पुण्यार्जक बनाया, दान धर्म शांति धारा में हमेशा आगे रहने वाली ललिता दीदी का मैं माला व टीके के साथ स्वागत करती हूँ। ललिता दीदी आप आए उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, आप जो आए हैं सभी, मंजू दी, ललिता दी, अर्चना दी, हमारे इस सेशन में 4 चांद लग गए हैं, आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से हम सबकी ओर से स्वागत है। ललिता दीदी आपसे विनती करूंगी कि कुछ शब्द आप भी कहें। सभी को जय जिनेंद्र। तुम्हारा 2 बार 3 बार फोन आ गया, मैंने कहा क्योंकि रात में मैं करीब 1:30-2 बजे तो पहुंची थी, और तो समझ ही सकते हो बहुत अच्छा। सबसे पहले तो बधाई देती हूँ कि 1 साल पूर्ण होने पर कितना जल्दी समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। जो कुछ हम हासिल कर लेते हैं वो अपनी झोली में रहता है, बाकी से इधर उधर बह जाता है। तो सही है मीता जी, आप और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई, और साथ में इस बधाई के हकदार हमारे अर्चना जी, विनय जी, जिनके माध्यम से चीजें चारों तरफ व्यवस्थित रूप से आप लोग सबको हीलिंग दे पा रही है, और सब लोग इससे कितने लाभान्वित हुए होंगे ये तो आप जानती, या जो लोग हो रहे हैं वो लोग जानते हैं, बाकी तो अपने प्रभावना सुनते हैं और सुनाते रहते हैं, लेकिन जिनके जीवन में खुशियां आती है वो जरूर एक व्यक्ति 10 को बोलता है, 10 100 को बोलता है, इसी तरह से ये चीजें आगे बढ़ती चली जाती है। आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि इसी तरह आपके 1 साल नहीं 100 ईयर्स जब तक अपने रहे तब तक ये सब चलता रहे और आगे भी चलता रहे, यही मेरा सबके प्रति आशीर्वाद है, शुभ भावनाएं। और अभी तो शुभ भावनाएं और अच्छी है कि इतनी हम लोग यात्रा करते हुए आ रहे हैं, यात्रा ले लो तो शादी का पीरियड ले लो चाहे घूमना, सब इतना मिक्सअप था, लेकिन ये मैंने देखा अर्चना जी, विनय जी है, मंजू जी चले गए, कि जहाँ आदमी आध्यात्मिक के प्रति जो सोच होती है कैसे पूरी होती चली जाती है। महावीर जी गए वहां मेन कैलस पहले से हो गया, जहाजपुर गए वहां हो गया, इतनी भीड़ जहाजपुर में
कि लोगों को कमरा नहीं मिल रहा था शाम को, इतना भीड़ सैटरडे को, मतलब 108 कमरे, 12 हॉल और कितने संत निवास बने हुए हैं, उसके बावजूद भी लोगों को लग रहा था कि हम कहाँ रुके। उसी सोच को करके फिर हम लोगों ने 2 रूम का फ्लैट वहां पे बुक करा के आए। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत बधाई, बधाई हो, बधाई हो, अनुमोदना 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 बारंबार, क्योंकि ये अवसर भी अगर मिल जाता है और बिना सोचे समझे कोई काम होता है तो उसमें लगता है कि कोई अच्छे के लिए काम हो रहा है। और सही मायने में जब हम लोग जाएंगे वहां अपने को एक अपना जगह मिल जाता है तो और उसमें अच्छा लगता है। अभी जस्ट ये बनना शुरू होंगे, फ्लैट्स नहीं बने, कमरे बने हुए हैं और कमरे और बन रहे हैं। और ये तो देखिए जहाजपुर का और फैलेगा। एक 55 साल की माता जी है, एक अकेली माता जी ने इतना बड़ा गांव बसा दिया और अक्सर वो मौन रहती है माता जी, अक्सर मौन रहती है माता जी हमेशा। वो जब बोलती है तो प्रवचन और उसी में संकट समाधान जो 2-4 कर लेते हैं। मैं भी माता जी से निवेदन करके आई हूँ कि माता जी एक बार आप, बीज मंत्रों का इतना महत्व है और लोग इससे इतने लाभान्वित हो रहे हैं और हम उसके बारे में अच्छा से जानना चाहते हैं कि इतनी उपयोगिता कैसे, क्या है इसमें, ऐसी क्या चीज है जो इतना लोगों को लाभान्वित करता है। और इसका तो जैसा कि अभी मीता जी ने बोला कि 1,21,00,000 और लोगों विश्वास ही नहीं कर पाते, उनसे पूछते तो बोलेंगे 20 लाख हुए होंगे। आप किसी भी थर्ड पर्सन से पूछिए कि कितना यूट्यूब में देखा होगा लोगों ने, अधिक से अधिक 10 लाख 15 लाख, इससे ज्यादा लोगों के मुंह से निकलता ही नहीं है। तो ये तो बीज मंत्रों की उपयोगिता है, उसका कितना प्रभाव है कि बस पूछो मत। तो मैं तो चाहूंगी आप लोग सभी इस चीज दौड़ में जो आगे बढ़ रहे हैं बढ़ते रहिए। और सब इतने में आप अर्चना जी मानेंगे नहीं, महावीर जी गई तो 10 लोग मिल गए, 10 से 15। आज मीरा जी बोल रहे थे महावीर जी से आ रहे, तो मुझे ललिता जी मिले होंगे, हाँ बोले कलश कर रहे थे मिले। सब लोग है दीदी, तो आज मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। हाँ नहीं नहीं, मंजू दीदी जाने वाली हैं तो मंजू दीदी को शायद बहुत खुशी मिलेगी और इसलिए उनको खुशी देना हमारा कर्तव्य है और रिस्पांसिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। तो हम लोगों ने एक बहुत बड़ी योजना आपके एब्सेंटिज्म में शुरू कर दी है और बहुत उसका सब लोगों ने अच्छा प्रतिसाद भी मिला है। आपने हमने क्या किया अभी दीदी कि अभी तक IVS के माध्यम से फ्री हीलिंग दी जा रही थी, अब 20 तारीख से आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष में हम लोगों ने निशुल्क जो पुस्तक है बीजाक्षर, बीजाक्षर भक्तांबर और भक्तांबर की छोटी बड़ी और बीजाक्षर की बड़ी छोटी, चारों बुक निशुल्क वितरण की योजना बनाई। तो ये आप हमारे यहाँ से IVS के माध्यम से हमें एक नंबर हमने अलाट कर दिया है और उस नंबर पे जिसका भी मैसेज आएगा तो उसको जिस बुक की भी रिक्वायरमेंट होगी वो बुक निशुल्क दी जाएगी। आज से 20 तारीख के बाद से जो भी मैसेज आएंगे सबको ये बुक निशुल्क दी जाएगी। ये हमने अभी एक जैकपॉट देने का, दिवाली के बाद प्रिंट भी हो रही है। हाँ प्रिंट हो रही है, तो ये देखिए मैंने उसके लिए एक जैकपॉट योजना ये हुई है गुरुवर जी के, गुरुवर के उसमें हमने एक जैकपॉट योजना चालू करी है ये वाली कि IVS सेंटर प्रेजेंट स्पेशल हीलिंग सेशन, वहां क्या बात है, 551 दिन के अपूर्व सफलता के उपलक्ष में जैकपॉट योजना सेंटर के माध्यम से हीलिंग के बाद पर विद्यासागर जी महाराज 19 शरद पूर्णिमा जन्मदिन के उपलक्ष में और उनके परम शिष्य मुनि जी प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वाद से सभी भक्तों के लिए बम्पर योजना बीजाक्षर और भक्तांबर के सहित IVS सेंटर में निःशुल्क वितरण योजना प्रारंभ। तो आप सभी लोग जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी लोग उसका लाभ ले सकते हैं। हमें सिर्फ आपको फोन करना है मोबाइल नंबर और पिन कोड के साथ और जो तो कैसे बाहर कैसे जाएगी विनय जी, बाहर में कैसे कोरियर चार्ज भी हम पेड करेंगे, विद कोरियर देंगे हम लोग, कोरियर चार्ज पेड करके बाप में उनको देंगे, कोरियर चार्ज भी हम आपका पेड करके देंगे और आपको सिर्फ एक नंबर पर मैसेज मिसयूज मत करिए, जिसे जितनी लग रही उतनी ही, लेकिन एक एक दो दो या एक सेट दो सेट ही मंगाइए जिसको जितनी, यदि आप बोलेंगे 50 सेट भेजो
तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन एक सेट दो सेट जिसको भी जरूरत होगी हम उसको भिजवाएंगे। तो आप जितने लोग 150 लोग सुन रहे हैं सभी के लिए, और उसमें हम लोगों ने एक ही दिन अनाउंस किया था और एक ही दिन घोषणा की, और उसी समय बहुत से ज्ञान मद में दानदाताओं के नाम भी आ गए। तो लगभग हमारा इसमें 8-10 लाख रुपए साल का खर्चा है और उतना अमाउंट हमारे पास आ गया या आ जाएगा। तो हम लोगों ने इस योजना को शुरू कर दिया है, अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और प्रमाण सागर महाराज जी ने बोला था उस दिन प्रश्न मंच में कि साहित्य का वितरण इतना करो कि लोगों के घर घर तक पहुंच जाए। तो जो लोग नहीं ले पा रहे थे या कुछ प्रॉब्लम थी उनके लिए भी अब ये फ्रीली उपलब्ध हो गया है। इसमें थोड़ा आगे हम जाके हमारे जो गैजेट हैं उनको भी हम सब्सिडी में शुरू कर देंगे, 50% सब्सिडी देके उसमें उसको भी फ्री देंगे। अभी जैसे 1300 रुपए का देते हैं तो बाद में हम 800 का या 700 रुपए का उसको दे देंगे। यंत्र जी भी इसमें हम लोग थोड़ी दिन बाद फ्री कर देंगे। तो इस प्रकार ये IVS की दूसरी योजना बम्पर योजना आज के बाद IVS के द्वारा साहित्य जो है भक्तांबर और बीज अक्षर का निःशुल्क सबको दिया जाएगा विथ कोरियर चार्ज। बहुत सुंदर, क्योंकि सिद्धायतन से तो बहुत पहले से ही हो रहा है। हाँ। मेरे भक्तांबर से कम नहीं करते करते तो 6-7 हजार शास्त्र ले लो, बुक्स ले लो, छोटी बुक्स ले लो, इतनी बाहर गई है और अभी भी जा रही है। और अभी भी दीप प्रज्वलन कम से कम दीपक 5 हजार मेरे आ गए हैं, 3-4 हजार पहले आ गए थे सबके यहाँ, 48-48 दीपक पहले हम अपनी सिटी में दे रहे हैं हमारे। और बहुत ये सब मेरी तरफ से, नो किसी से इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपका हिस्सा है, लेकिन बड़े कार्य करने के लिए जरूरी है कि कंट्रीब्यूशन हो तो और अच्छा से हो जाए, और एक खुद का लिखा हुआ हो और उसमें कंट्रीब्यूशन हो तो और बढ़िया हो जाता है। चार लोगों को भी ज्ञान मद में ज्ञान दान करना है तो अपने व्हाट्सएप में मैसेज डाल सकते हैं। हम 25 और 11 और 50 ये तीन ही अमाउंट ले रहे हैं, और तीनों अमाउंट में लेके उनके बुक में जो 8000 बुक छपेंगी 2-2 हजार चारों प्रकार की, उसमें एक पेज लगेगा, उसमें उनके नाम आएंगे। चलिए मेहा जी आगे बढ़ाइए कार्यक्रम को। मंजू दीदी जी, विनय भैया बहुत बहुत IVS परिवार की आप लोगों की बहुत बहुत अनुमोदना है। मैं मंजू दीदी को चूंकि कम टाइम है उनके पास, उनसे अनुरोध करूंगी कि मंजू दीदी पार्टिसिपेंट्स हीलिंग लिए बिना मानेंगे नहीं, तो आप प्लीज हीलिंग दीजिए अपने मुखारविंद से। मंजू दीदी का नेट गड़बड़ हो रहा है। ओके तनुजा जी, मंजू दीदी को स्पॉटलाइट पे लीजिए, दिख रहे हैं। नहीं है, मंजू दीदी वापस लेफ्ट हो गई है। ओके आ गए, मेरे को फोन आया। आ गया दीदी। थैंक यू मिता जी, मेरे को तो रुकना पड़ेगा, आपने मेरे को याद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हैं उसके हम सभी की ओर से बहुत बहुत हम सेमिनार में गए थे समय शिखर जी, ये जितनी पर्सनालिटी हमारे बीच में बैठी हैं, अर्चना दीदी, मंजू दीदी, ललिता दीदी, एक से एक हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने के जैसा है। हम तो इनके जैसे शायद कभी नहीं बन पाएंगे, पर इनका आशीर्वाद, इनकी छत्र छाया हमारे ऊपर सदैव बनी रहे, ऐसा हम चाहते हैं और निवेदन भी करते हैं। देखिए बहुत ही भाग्यशाली आज का IVS परिवार। दीदी विनय जी एक बात बता दो, सुनिए तो सही, IVS बहुत ही भाग्यशाली है कि उस समय इतने कमरे मिल गए। अभी ये हालत है, मनोज का इतना फोन आ रहा है, मेरे लिए भी कमरा नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल सही है, IVS ऐसा हालत है, IVS पर्सनल तो रखती नहीं हूँ अपने लिए वहाँ पे कमरा कभी भी। IVS की शुरुआत ही ऐसे हाथों से हुई है तो भाग्यशाली तो है ही, आपसे, मंजू दीदी से, यार ऐसे ऐसे पुण्यमान लोगों ने उसकी शुरुआत की है, इनॉग्रेशन किया था जब, क्या याद करिए आप, 1.5-2 साल पहले, तो पुण्यमान तो है ही, तो सभी चीजें ठीक है। लेकिन हाँ, आज मैं पार्टिसिपेंट लोग को बताना चाहता हूँ कि देखिए आज आपको मंजू दीदी की हीलिंग नहीं मिल पा रही, डिप्टी गवर्नर आ चुके हैं और वो हथकरघा के लिए जा रहे हैं, मेरे को भी बुला रही मंजू दीदी और वो घर आ रही लेने के लिए, मैं जा रहा हूँ। तो कल नहीं, 22 तारीख को
इसी समय पे सभी पार्टिसिपेंट फिर से ज्वाइन होंगे और मंजू दीदी की हीलिंग करवाएंगे, ठीक है? 22 तारीख एक और बात बताती हूँ विनय जी, अभी हम लोग नागपुर गए थे ना जी, उस समय आपके सब पार्टनर जी उनके साथ में इनका मीटिंग था, उनको बुलाए थे सोनल के घर पे, और बहुत विस्तार से मीटिंग हुआ कि आगे का कार्यक्रम को नागपुर में जो बनने जा रहा है डिवाइन, तो वो कैसे आगे बढ़े, तो कम से कम उनसे 1.5 घंटा इनका मीटिंग चला था। हाँ वही थी बात थी। हाँ, तो उसी क्रम में वो आगे आ रहे हैं, तो नहीं वो अभी थोड़ा सा पार्टिसिपेंट आ गया कि कैसे क्या काम करे। हाँ सही बात है, पार्टिसिपेंट को थोड़ा रिक्वेस्ट कर दीजिए आप कि 22 तारीख को एक बार फिर से इसका सेशन लेंगे, जब तक इस सेशन में अर्चना दीदी और ललिता दीदी आपको संभालेंगे, मैं जा रहा हूँ, अर्चना दीदी इसको छोड़ के जा रहा हूँ। अर्चना दीदी नहीं, अर्चना नहीं, अब तुम दीदी हो गए आप सभी दीदी हो गए। जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सभी से क्षमा चाहेंगे कि आज मंजू दीदी थोड़े से बिजी हैं, तो वो आज हमें हीलिंग नहीं दे पा रहे हैं, बट हम उनसे फिर रिक्वेस्ट कर 22 को हम उनका सेशन फिर रखेंगे। आप लोग 22 को सभी फिर से जुड़ें ताकि उनकी हीलिंग आप सभी प्राप्त कर सकें। अब मैं अर्चना दीदी को आग्रह करूंगी कि दीदी आप जैसा विनय भैया बोल के गए, आप आगे सेशन को संभालें थोड़ी देर। आपके संभालने के पहले कुछ लाइनें आपके लिए भी बोलना चाहूंगी दीदी। मैं अनेक उपाधियों से सम्मानित हैं दीदी, ग्लोबल गुरु, नारी गौरव, बीजा अक्षर क्वीन, अनेक सम्मान पत्र, टॉप एक्सलेंस परफॉर्मेंस अवार्ड, भक्तांबर वॉरियर, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो लॉन्गेस्ट ऑनलाइन कोडियन स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन के लिए दीदी को मिला है, ऐसे अनेक उपाधियों सम्मान पत्र से सम्मानित हैं हमारी दीदी। साथ ही जो उन्होंने इस बार समेत शिखर जी ने हमारे लिए यानी हीलर्स के लिए और सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए जो सेमिनार रखा, वह उनका एक बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य रहा। आईवीएस का रथ यूं ही आगे बढ़ता रहे दीदी, शुभकामनाओं के साथ, हम सभी आपके साथ और हमेशा आपके पीछे हैं। दीदी ओवर टू यू, अब आप इस सेशन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू मेहा जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं पंच परमेष्टि को नमन करते हुए आगे सेशन बढ़ाऊंगी। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोए सर्व साहूण। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आज जलगांव ब्रांच के 1 ईयर सेलिब्रेशन में मेहा जी जैन, वंदना जी जैन, ममता काकरिया जी, वंदना शाह और ममता काकरिया जी, ये विशेष हमारे सेंटर हेड और कोऑर्डिनेटर जो जलगांव ब्रांच को बहुत सुचारू रूप से चल रही है, जलगांव ब्रांच बहुत अच्छे से चल रही है, इसलिए सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आपको मेहा जी को देख के समझ में आता होगा, इतने सरल स्वभावी, उनके कोऑर्डिनेटर भी वैसे ही, ममता जी, वन्ना जी, सब इतने सिंपल, सहज, सरल, और इन लोगों की हीलिंग इतनी पावरफुल हीलिंग है, और इसी प्रकार से और इनके अंदर पावर बढ़े, इसी शुभ भावों के साथ आगे सेशन शुरू करती हूँ। और देखिए हम लोग कल जा रहे हैं आचार्य श्री के लिए, जैसे ही मेहा जी को ऐसी बात निकल गई कि हम लोग कल जा रहे हैं, मेहा जी ने पूरी व्यवस्था अपनी होटल में कर दिया। मेहा संदरिया जी, इनका मॉल भी है और उनके सामने बहुत बड़ी होटल भी है, पहले भी उनने प्रोग्राम हम लोगों का कराया है। और इनके पापा के फोन कल से इतनी बार आ गए हैं कि आपको भोजन भी वही करना है, वही आना है। कल से अभी फिर थोड़ी देर पहले भी आया था कि आप लोग आइए, स्वागत है। पूरी व्यवस्था मेहा जी ने हम लोगों की वहाँ कल 19 और परसों 20 दो दिन की अपनी होटल में और पापा के अपने, और सारी व्यवस्था वहाँ करवा दी है। मतलब सिर्फ ऐसे ही मुंह से निकल गया कि हम लोग जा रहे हैं, 19 को हमें जाना है, और मेहा जी ने पूरी। तो मेहा जी आपको धन्यवाद, पापा को भी चरण स्पर्श करते हैं, अभी बात हुई पापा से थोड़ी देर पहले,
बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं और हम हमारे साथ हमारे मंजू दीदी, ललिता दीदी, मंजू दीदी थोड़े जा आ ही रहे हैं, अभी जा रहे हैं नहीं कहूंगी, आ ही रहे घर पे। और ललिता दीदी ने इतनी सारी एनर्जी लेके आए हैं, मुझे भी बोला था आने लेकिन मैं पहुंच नहीं पाई। कितनी जगह अभिषेक, शांति, धारा, सब हम फोटोज देख रहे हैं। ललिता जी जहाँ जहाँ जा रहे थे, सारा इतनी सारी एनर्जी ललिता जी लेके आए हैं, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कल आके आज फिर सेशन में हमारे साथ देख के हमें बहुत खुशी हो रही है, और हमारे मंजू दीदी भी। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी का आज के एक वार्षिक सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आगे ये जो हीलिंग सेशन, भक्तांबर बोलिए या बीजाक्षर बोलिए, ये इतना बढ़ते बढ़ते जा रहा है दिन पे दिन। कल हमने सुबह के सेशन में अभी अलग अलग अक्षरों की हीलिंग शुरू की है, बीज अक्षरों की। कल जो हीलिंग हमने दिया था रिम डायबिटीज के लिए, आज हमने एक दो को ऐसे ही सोचा कि एक दो से पूछते हैं कल क्या हुआ। कल हमारे पास बहुत फोन आया, जिसकी 200, किसी की 180, 190, दो दो महीने से बढ़ी हुई थी, और किसी का गला सूख रहा था डायबिटीज की वजह से। आज उनने शेयर किया सुबह, हमारी 130 हो गई सिर्फ एक दिन एक बीजाक्षर का 10 से 15 मिनट उच्चारण करने मात्र से। किसी का कहना है कि 151 हो गई, किसी के 250 थी 180 पे आई है, यानी एक एवरेज में सबका। कल अभी 24 घंटे भी नहीं हुआ, कल सुबह दिया था और आज सुबह सबने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। तो इस प्रकार से बीज अक्षर में बोलो भक्तांबर में इतना पावर है, सिर्फ ग्रहण करने की हमारी किस प्रकार की पद्धति है, वो ग्रहण करने की पद्धति हमें आना चाहिए। हमें एकाग्रता, मन वचन काय की एकाग्रता से उसे ग्रहण करना चाहिए। फेथ के साथ यदि आप ग्रहण करते हो तो उसका इफेक्ट बहुत जल्दी होता है। हम भक्तांबर और बीजाक्षर पढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हम लोगों का उद्देश्य है आपके अंदर जो मिसिंग चीज है, जो फेथ, जो मिसिंग है, उसी को जगाने हम लोग आते हैं। कि विश्वास, एक फियर की नाव है, एक फेथ की नाव है, दो नाव है। अब आपको बैठना कहाँ है, आपके पैर आप कहाँ रखोगे, फियर में रखोगे कि फेथ में? आपको फियर की नाव में नहीं बैठना है, फेथ की, विश्वास, श्रद्धान के साथ आपको इसको करना है। तो आप देखोगे कितने अच्छे इसके इफेक्ट आ रहे हैं बीज अक्षर और भक्तांबर के। प्रमाण सागर महाराज जी ने भी उस दिन कहा कि इसको इतना फैलाओ कि लोगों के जन जन के मन मन तक जाना चाहिए। और उसी बात को लेके हमने मन में सोचा, बहुत दिन से हमें अच्छा भी नहीं लग रहा था कि साहित्य हम लोग कुछ अमाउंट लेके दे रहे थे, तो वही बात को लेके हमने उस साहित्य को निशुल्क देने का विचार किया है। तो इस प्रकार से भक्तांबर और बीजाक्षर दोनों भी जो इन लोग चला रहे हैं, पूरे हमारे 50 सेंटर और 3 सेंटर का ग्रैंड ओपनिंग 24 को हमने फिर रखा है। इस महीने के जो हमारे हिलर्स तैयार हुए उसमें फिर 3 न्यू ब्रांचेस और एक अमेरिका में 4 ब्रांचेस का ओपनिंग फिर हो रहा है, ग्रैंड ओपनिंग। फिर हमारी 50 से 54 ब्रांचेस, 53 या 54 ब्रांचेस हो जाएंगी। इतने प्रचार प्रसार, ये इतना पावर है बीज अक्षर भक्तांबर, ये दिन पे दिन बढ़ते बढ़ते चले जा रहा है। लोगों को इतनी सुविधाएं हो गई इससे, आज लोगों को बार बार फोन नहीं करना है, मेरा उठ नहीं पा रहा, मंजू दीदी का नहीं उठ पा रहा, तो फॉर्म भर देते हैं और हमारे हीलर्स खुद उन्हें फोन लगाते हैं, ज्वाइन करते हैं, हीलिंग देते हैं, और वो ठीक होते हैं उसके बाद वीडियो भी बना के दे रहे हैं, लेटर भी दे रहे हैं। इससे लोगों को पीएचडी करने में बहुत सुविधा हो रही है। हर महीने ट्रेनिंग में पीएचडी वाले, सेंटर खोलने वाले, कोऑर्डिनेटर, हर किस्म के लोग हमें मिलते हैं, हर टाइप्स के लोग रहते हैं। तो उनकी यही दुविधा रहती कि हम पीएचडी करें तो हमें केस स्टडी कैसे मिले। तो उन्हें केस स्टडी के लिए ये जो सेंटर खुले, इससे पीएचडी इतनी आसान हो गई। 6 पीएचडी तो हमारे अंडर में हो गई, अभी 10 रनिंग में है मेरे अंडर में, अभी 10। उसके पहले मंजू दीदी के अंडर में भी हुई है, हम लोग ने सबने मंजू दीदी के अंडर में किए। अभी ऑल ओवर हेड मंजू दीदी है और मेरे गाइड और सेंटर हेड। तो पीएचडी भी इसी के माध्यम से ये हो रही है। तो इतना सेंटर खोलने से आपको सबसे बड़े बेनिफिट है पीएचडी वालों के लिए, केस स्टडी के लिए इधर उधर नहीं भागना है। हम लोगों ने पीएचडी किए, हमें एक एक केस स्टडी इधर उधर से लेनी पड़ती थी, बार बार फोन करना पड़ता था। आज तो ऐसा है, आप ज्वाइन करो, ठीक करो, अपनी पर्सनल केस स्टडी बनाओ
और दाल में। तो ये पर्सनल जो हमने खोले हैं सेंटर्स, इसमें ये बहुत बड़ा बेनिफिट पीएचडी वालों के लिए हुआ है। आगे आगे हम इसमें और भी बहुत सारी योजनाएं लाएंगे जो समय समय से आपको बता दी जाएंगी। तो चलते हैं अब हम हमारे हीलिंग सेशन की ओर। सभी लोग वेट कर रहे हैं, समय भी हमारा हो रहा है। बोलिए देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। सबसे पहले हम कषायों का शमन करते हैं ताकि हमारे अंदर हीलिंग जो है वो जल्दी प्रवेश करे और चक्राज हमारे ओपन हो जाए। तो हम पहले चक्राज को ओपन करेंगे और कषायों का शमन करेंगे। बीजाक्षर छाम छीम छूम छो से हमारे जो पांच चक्राज है इसे हम जो नित्य ही ब्लॉक हो जाते हैं उसे हमें ओपन करना है। दोनों हाथ आपके छाम मुख कमल पे, छाम छीम छूम हृदय पर और फिर नाभि स्थान पर, इस प्रकार से दोनों हाथों को आप रखेंगे और हम छाम छूम छीम छूम छ से अपने चक्राज को क्लियर करेंगे। तीन बार ओम का उच्चारण, देखेंगे मोक्ष स्थान की ओर। दशो दिशाओं में ओम उछल रहा है, दशो दिशाओं में संचरण करता हुआ, ज्योतिष चक्र में विचरण करता हुआ, आपके सहस्त्र चक्र से होता हुआ अनाहत चक्र पे ओम विराजमान हो गया और वहां से तीन बार ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। लंबी गहरी श्वास ब्रीदिंग टेक्निक के साथ श्वासों को अंदर लेंगे और 50% में ओम, 50% में म का उच्चारण। ओ हमारे सिंपल हैंड से इसे पावर हैंड्स में बदलेंगे सुरक्षा चक्र के लिए। पहले कषायों का शमन करना है। सभी लोग बोलेंगे क्रोधम 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 जी नष्टम 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 जी, क्रोधम 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 जी नष्टम 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 जी, मानम 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 जी नष्टम 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 जी, माया 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 जी नष्टम 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 जी, माया माया जी नष्टम 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 जी, लोभम 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 जी नष्टम 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 जी, पंच परमेष्टि विराजमान करेंगे। ओम अशिया उषा नमः, ओम अशिया उषा नमः, ओम अशिया उषा नमः, ओम अशिया उषा नमः, ओम अशिया उषा नमः। सिंपल हैंड्स आपके पावर हैंड्स में बदल चुके। दोनों हाथों को डायरेक्ट आप अपने आज्ञा चक्र पर लेके जाएंगे जहां पर हमें छाम बीजाक्षर का उच्चारण से शुरुआत करनी है। छाम मुख पे, छीम छूम छोम छ, छाम छीम छूम छोम छ, छाम छीम छूम छोम छ, छाम
छीम छूम छोम छम छाम छीम छूम छोम छम छाम छीम छूम छोम छम। बोलिए अलीनाथ भगवान की। सभी लोग नौ बार बोलेंगे, मैं निरोग हूँ मैं स्वस्थ हूँ, 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 मैं निरोग हूँ मैं स्वस्थ हूँ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सर्वसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सर्वसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सर्वसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सर्वसाहुणम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हरं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हरं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हरं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हरं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हरं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हरं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हरं नमः। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नम सोचाम दशामुपगता शुद्ध जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृत दीग्ध दीहा मत्या भवन्ति मकरत धज दुले रूपा। आइए सब हमारे साथ, सर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर हमारे साथ है, तो सर दो शब्द बोलना चाहेंगे। आप सबको स्वागत है, बनाना जाना है, तो सर आप सब लोगों को बधाइयां दे रहे हैं। कल सर ने वो जगह भी देखी जहां भक्तांबर डिवाइन श्राइन आएगी, और हथकरघा दोनों प्रोजेक्ट के बारे में सर थोड़ा बोलिए। जय जिनेन्द्र आप सबको। जय जिनेन्द्र जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने का, और दीदी ने आग्रह किया कि यहाँ आके आप लोगों से परिचय हो, तो बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग, और विनय जी, सभी लोग, मंजू जी, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसको आगे आप बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, सभी लोगों का टाइम का कमी है थोड़ा, हम लोगों का और भी आगे लोग इंतजार कर रहे हैं, तो सर दो मिनट के लिए मैं तो निकल गए थे, लेकिन वापस लाया सर को, और दीदी के आकर हमने चलो आप लोग कम से कम रूबरू हो जाएंगे सर से, तो हम लोग इस क्षेत्र में भी आगे कुछ कार्य कर सकेंगे। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत आभार, आभार, धन्यवाद। आप आगे, थैंक यू। मैं हमारे साथ मिया जी, मिया जी आप स्पॉटलाइट कर लीजिए।
ये आज इनके एक साल हुए हैं जलगांव से जबलपुर उनकी डॉटर ओके ओके अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं ओके 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 चलिए देन वी विल बी एंजॉयिंग द हॉस्पिटैलिटी ऑफ योर होटल वंदना जी हैं आईबीएस की सेंटर है कोऑर्डिनेटर हैं और ममता जी कहाँ करिए आप भी ले लीजिए स्पॉटलाइट सबको दिखा दो जय जिनेंद्र ममता जी हाँ ये ममता कहाँ करिए तीन लोग इस सेंटर को चलाते हैं हमारे और 150-200 लोग इसमें जो ज्वाइन रहते हैं और रीडिंग लेते हैं वेरी गुड मतलब सुबह 5:30 जय जिनेंद्र जी 5:30 बजे सुबह आईबीएस सेंटर शुरू होते हैं रात को 10 बजे तक कंटिन्यू वेरी गुड और कुछ कुछ तो ओवरलैपिंग भी है मतलब दूसरी आईडी में सेम टाइम में दो दो ब्रांच चलती है चलिए जय जिनेंद्र जी आपसे इजाजत ममता जी आप मेहा जी आप थोड़ा हीलिंग करिए जब तक जी अंकल जब तक अर्चना 2 मिनट में ज्वाइन हो गई जी आप ले लीजिए ललिता जी को भी ललिता जी हैं क्या देखिए और भी कोई कुछ बोलना चाहता हो सर के लिए हाँ ललिता जी हाँ ललिता जी बहुत ही अच्छा लगा आपको देखकर और इसमें आप शामिल कर रहे हैं हमारे मंजू जी और आपका इसमें सहयोग मिल जाएगा तो 4 चांद लग जाएंगे इसके अंदर में क्योंकि मेरी बेटी तो खुद वहां पे नागपुर में है आपके मनोज जी जायसवाल अभिषेक जायसवाल जी 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 चलिए धन्यवाद जी धन्यवाद बिल्कुल नहीं नहीं वो बेसिकली शिखर जी का तो थोड़ा बहुत जो कार्यक्रम वहाँ पे चल रहा है वो नहीं आप, उसका एग्रीमेंट का अभी हाँ, नहीं हो रहा आप है पहाड़िया जी के साथ पूरा है नहीं नहीं वो बेसिकली मैं अभी मार्च में गया था शिखर जी तो वहां में पहाड़ पर व्यवस्था अच्छी नहीं है तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी आवश्यकता है जैसे रोड खराब हुए हुए हैं साइड में रेलिंग नहीं है तो लोगों की सेफ्टी का इश्यू है वहां अगर बरसात आ जाए या धूप ज्यादा है तो कोई आश्रय नहीं है बीच में पार्टिकुलरली बुजुर्ग लोगों के लिए और बच्चों के लिए और लेडीज के लिए वहां पे टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है और पानी की जैसे थोड़ी सी दिक्कत रहती है तो ये 10-12 इश्यूज मुझे दिगंबर जैन समाज ने बताए थे तो वो मैंने उनको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट से कनेक्ट कर दिया था और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट वाले उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और श्वेतांबर जैन संघ ने भी वही अपनी रिक्वेस्ट भेज दी थी ताकि कल को कोई झगड़ा ना हो तो वो सारी चीजें अब हो जाएंगी सिर्फ टावर भी लग जाएगा वहां पे टेलीकॉम टावर तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले सब कर रहे हैं आदिनाथ और पार्श्वनाथ भगवान की अगर कृपा रही तो बहुत जल्दी ये सारा काम वहां हो जाएगा पहाड़ पर बहुत ही अच्छा लगा मैं आपके सिद्धायतन से बोल रही हूँ श्री संतोष जी ललिता बोल रही हूँ मैं सिद्धायतन अपने ही द्वारा आगे बढ़ा और अभी पूरे आईएएस का सम्मेलन होने जा रहा है जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स है उन सबका 4 दिन का वहां पे सम्मेलन हो रहा है प्रमाण सागर जी के उसमें अभी वैसा वैसा हालत है कि समय शिखर जी में 11 से 19 तारीख तक एक कमरा नहीं मिल रहा है जी जी मतलब इतना अभी इस समय लोगों का संतों का वहां पे इतना आशीर्वाद है कि लोगों का आवागमन इतना बढ़ रहा है और जो आपकी सोच है वो सोच तो बहुत पहले से है सब में लेकिन कर नहीं पा रहे हो लेकिन आप जैसे व्यक्तित्व अगर उसमें सामने आ जाते हैं तो वो कार्य में होने में देरी नहीं लगती और हम लोग सभी आप लोग के साथ में हैं चलिए फिर तो आप देखिएगा अगर कोई काम में वहाँ कमी रह जाए तो मुझे बताइएगा और की आवश्यकता होगी वहाँ प्रिंसिपल रेंजर से भी मीटिंग करा दी थी उनकी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ने ऑर्डर भी कर दिए हैं सभी कार्य के तो अगर कोई काम रह भी जाए फिर भी तो प्लीज आप बताइएगा एक और पैसा आपसे निवेदन था जो फॉरेस्ट लैंड होती है ना कुछ लैंड ऐसी होती है जो दे दी जाती है हम संतों के निवास के लिए कुछ लेना चाह रहे थे ताकि उनके लिए कुछ हम बना सके आने वाले समय में क्या संतों का विचरण कम हो जाएगा और वो तीर्थ क्षेत्र में ज्यादा रह पाएंगे तो उनके लिए अगर जब जैसे सिद्धायतन बनाए उतना ही बड़ा हम अगर कोई निवास बना देते हैं संतों के लिए तो मैं सोचती हूँ कि शायद क्योंकि अभी जमीनें वहां मिल नहीं रही है समय शिखर जी में वो देखते हैं नीचे जहाँ पहाड़ के नीचे की बात है और ऊपर का भी वो आपको मालूम है कि काफी झगड़ा चल रहा है हाँ। जो सुप्रीम कोर्ट में है सब जुडाइस है जब तक वो रिजोल्व नहीं होगा तब तक थोड़ी सी ये मुश्किलें रहेंगी वो अगर सॉल्व हो जाएगा तो शायद आगे का काम भी थोड़ा सा बेटर हो जाएगा तो वहाँ एक प्रॉब्लम बाकी देखते हैं अगर कोई ऐसा मिलेगा मौका तो बोलेंगे उनको जी जी
मैं बोलूंगी संतोष जी को कि वो आपसे जरूर मुलाकात करके और जो भी बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। नेहा जी आप कंटिन्यू करिए। चलिए जब तक अर्चना दीदी हमें वापस रीजॉइन करते हैं तब तक हम 6 नंबर की गाथा का पाठ करते हैं। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मां यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारु कलिकानिकरैकहेतुः अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारु कलिकानिकरैकहेतुः अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारु कलिकानिकरैकहेतुः। अब अपने दोनों हाथों को आप आसमान की तरफ खुला रख प्रभु की दिव्य ऊर्जा को अपने हाथों में आता हुआ महसूस करें। हम इसके मंत्र का पाठ करते हैं। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। अब आप अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर यानी सहस्रार चक्र पर रख दें। हम इसकी रिद्धि का पाठ करते हैं। ओम ह्रीं अहं नमो कोट्ठ बुद्धिर्णम श्राम श्राम नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अहं नमो कोट्ठ बुद्धिर्णम श्राम श्राम नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अहं नमो कोट्ठ बुद्धिर्णम श्राम श्राम नमः स्वाहा। आंटी 17 नंबर ले लें जब तक दीदी आते हैं तब तक। मेहा जी जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ललिता दीदी अपने साथ हैं, हम ललिता दीदी से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भक्तामर जी के कुछ काव्य अपने मुख से सुनाएं। कर रही है ना, मीता जी को करने दीजिए, अच्छा से कितना बढ़िया से कर रही है। चलो मैं 17 श्लोक की मैं सुना देती हूँ कि बहुत ही पावरफुल श्लोक है। 17वां नंबर का श्लोक 45वां हो चाहे 17वां श्लोक को दोनों को भाई बहन ही बोला जाता है एक तरह से, क्योंकि एक बहुत ऐसी बीमारी होती है जिसमें अपने कुछ नहीं कर पाते हैं, उसके लिए 45वां श्लोक है। और पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां खड़ी होती है वो पेट से होती है, तो 17वां श्लोक हो जाता है।
तो आजकल के बच्चों के लिए तो इतना कारगर सिद्ध हुआ है कि मेरी पोती भी आके बोल देती जब पेट में दर्द होता है तो दादी मुझे सुनाइए। तो 17वां श्लोक बहुत ही पावरफुल श्लोक है। आप लोग तो रोज हीलिंग देते हैं क्योंकि मैं ज्यादा हीलिंग, मेरा वाइब्रेशन ही मेरा हीलिंग हो जाता है। लोग बोलते हैं कि ललिता जी आपके पास में आते हैं तो हम लोगों में बहुत थॉट्स में ही चेंज आ जाता है, तो वही मेरी हीलिंग है। क्योंकि मेरे को कभी भी किसी के बारे में इधर उधर की बातें करने में इतना आनंद नहीं आता जितना बातों को चेंज करके उसको सकारात्मक रूप में ले लें। क्योंकि अपेक्षा और उपेक्षा दोनों ही खराब होती है। अपेक्षा रखो तो भी दुखी होता आदमी, और उपेक्षा करो तो भी आपकी कोई उपेक्षा करता तो भी दुखी होता है। तो अपेक्षा और उपेक्षा जब हम अपने जीवन से निकाल देते हैं और फिर कोई हीलिंग देता है तो उसका हीलिंग 100% कारगर सिद्ध हो जाती है। अनकंडीशनल लव, और सभी जानते हैं कि स्वयं करता स्वयं बढ़ता है, जो आप करोगे वही पाओगे। आपने मीता जी को बीच में डिस्टर्ब किया और कोई बात नहीं, मैं 17वां श्लोक का 9 बार बोल के मंत्र के साथ में सबको बोलती हूँ। क्योंकि पेट की बीमारी ऐसी बीमारी है जो सारे बीमारियों की जड़ होता है पेट ही। अगर अगर अपना खान पीन स्वस्थ होता है और पेट सही रहता है तो मैं जानती हूँ कि शायद बीमारी हमारे पास में भी न पटक पाए। तो उस बीमारी को आजकल के बच्चे जो पास्ता मैदा वगैरह जो बाहर की जितनी भी टीन से संबंधित जितनी भी अपनी चीजें होती है जो पूरी अपने बाहर से ही लाके खा लेते हैं, उस चीज को गर्म पानी मिलाते हैं, बाहर जाते हैं मैगी खा लिया, पास्ता बना लिया, पोहा बना लिया, ये सब चीजें क्या कुछ तो हानिकारक होती होती है पर लोगों के पास में उस समय उपाय नहीं होता, बाहर जाते हैं उनको वेजिटेरियन खाना पड़ता है। लेकिन उस समय अगर अपना श्लोक साथ में चलता रहे तो मैं सोचती हूँ कि उस चीज में 50% अपने को राहत मिल सकती है। और पूरी राहत पानी हो तो रोज ही अपने हीलिंग ले और उन चीजों को अपने जीवन से दूर करें जो चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और पेट से संबंधित और हमारे पेट को दूषित कर देती है, जो डाइजेस्ट करने में बहुत ही मुश्किल करता है। नास्तम कदाचित उपयासिन राहु गम्यम स्पष्टी करोषि सहसा युग पंचगन्ति नाबोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाही महिमासि मुनेन्द्र लोके। हे मुनीश्वर, आपकी उपमा सूर्य से भी नहीं की जा सकती है क्योंकि सूर्य उदय होकर अस्त होता है, वह राहु के द्वारा ग्रसित किया जाता है, बादलों की ओट में छिप जाता है, किंतु आपका केवल ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट होने पर न तो अस्त होता है न राहु से ग्रसित होता है और न ही किसी से पराभूत होता है, किंतु हमेशा एक जैसा ही अलौकिक रहता है। अतः आप लोक में अतिशय महिमा वाले ज्ञान सूर्य हो। ऐसे ज्ञान सूर्य की महिमा को जब हम अपने अंदर में समेट लेते हैं तो हम सब कुछ पा लेते हैं। ओम नमो नमे उन अट्टे मट्टे क्षुद्र विदट्टे क्षुद्र पीड़ा जठर पीड़ा बज्जे बज्जे सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमे उन अट्टे मट्टे क्षुद्र विदट्टे क्षुद्र पीड़ा जठर पीड़ा बज्जे बज्जे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमे उन्नट्टे मट्टे क्षुद्र विदट्टे क्षुद्र पीड़ा जठर पीड़ा बज्जे बज्जे सर्व रोग सर्व पीड़ा सर्व निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमे उन्नट्टे मट्टे क्षुद्र विदट्टे क्षुद्र पीड़ा जठर पीड़ा बज्जे बज्जे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा।
ओम नमो नमे उन्नटे मट्टे चुद्र विदट्टे चुद्र पीड़ा जटर पीड़ा बच्चे बच्चे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारण कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमे उन्नटे मट्टे चुद्र विदट्टे चुद्र पीड़ा जटर पीड़ा बच्चे बच्चे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारण कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमे उन्नटे मट्टे चुद्र विदट्टे चुद्र पीड़ा जटर पीड़ा बच्चे बच्चे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारण कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमे उन्नटे मट्टे चुद्र विदट्टे चुद्र पीड़ा जटर पीड़ा बच्चे बच्चे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारण कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमे उन्नटे मट्टे चुद्र विदट्टे चुद्र पीड़ा जटर पीड़ा भज्य भज्य सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारण कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमे उन्नटे मट्टे चुद्र विदट्टे चुद्र पीड़ा जटर पीड़ा भज्य भज्य सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारण कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजम कुरु कुरु स्वाहा। अस्माकं सर्व सेवकानां मम परिवारस्य सर्व जगत उद्रादि सर्व रोगोद्र शांति कुरु कुरु स्वाहा। अस्माकं सर्व सेवकानां सब परिवारे उद्रादि सर्व रोगोद्र शांति कुरु कुरु स्वाहा। अस्माकं सर्व सेवकानां सब परिवारे उद्रादि सर्व रोगोद्र शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम रीम अरम नरमो अट्टन मानिमी कुसराणम यम यम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो अट्टन मानिमी कुसराणम यम यम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो अट्टन महानिमी कुसराणम यम यम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो अट्टन महानिमी कुसराणम यम यम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो अट्टन महानिमी कुसराणम यम यम नमः स्वाहा। ओम रीम अरणमो अटन मानिमित्तुसरणम जोम जोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरणमो अटन मानिमित्तुसरणम जोम जोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरणमो अटन मानिमित्तुसरणम जोम जोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरणमो अटन महानिमित्तुसरणम जोम जोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम श्री आदिनाथ निंद्र नमः अष्टांग महानिमित बुद्धि रिद्धि प्राप्त नमो दी प्रज्वलम करोमि। जय हो जय आदिनाथ भगवान की। जय जय आचार्य मानसुंदर गुरुदेव की। जय जय थैंक यू ललिता दीदी। अभी मेंबर को ले लो, ललिता दीदी बैठे हैं। जी जी ममता दीदी अपनी छोटी बहन मेरी धृष्टता को माफ करेंगी। मेरी बड़ी बहन है, मैंने टोका था बीच में, आप मेरी दृष्टता को माफ करेंगी, मुझे पता है। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी मेंबर था, मेंबर को लो। मेहा जी का ध्यान नहीं था शायद, और हम सब बहुत मंत्र मुग्ध होके ललिता दीदी की हीलिंग सुनते रहे। थैंक यू ललिता दीदी। थैंक यू आपको भी बहुत बहुत। अभी पार्टिसिपेंट को लो वंदना जी। ललिता दीदी बैठे जब तक एक दो पार्टिसिपेंट्स को। हाँ ले लीजिए, अभी मैं हूँ 10 मिनट हूँ। हम एक साल से जो जलगांव सेंटर चला रहे हैं उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ रोज जुड़ते हैं और जिनको भी तन में मन में पॉजिटिविटी आई है वो हमारे साथ अपने अनुभव शेयर करेंगे, हम उनको एक एक करके अनम्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम मेहा जी कौन दिख रहे हैं? मीना जी। मीना जी शायद अभी लेफ्ट हुए हैं, हेमा जी को ले लो। हेमा जी। जी हेमा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मीना भी आ गई है, हेमा के बाद मीना को ले लेना। हेमा जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। तो मेरे बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। ये तारीख को 8 तारीख को मुझे थोड़ी तकलीफ हुई थी,
6 तारीख की है, और फिर हम नासिक गए, नासिक में ट्रीटमेंट वगैरह की थोड़ी सी, तो चेस्ट में पानी था, फिर वहां पर समझ में आया, फिर पानी टेस्ट वगैरह किया, वहां पर समझ में आया कैंसर है करके, फिर पुनः गए, तो 22 तारीख को पुनः गए हम, और 26 को डिटेक हुआ, बॉम्बे से भी रिपोर्ट आ गए, तो फिर वहां से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी, कीमोथेरेपी वगैरह चालू कर दिया, और वही टाइम हमारे भुआ सा ने बोला कि बक्तम्बर का है सेशन ऐसा जलगांव का, तो तुम ज्वाइन कर लो, बोले समझता ही नहीं था मैं तो, यानी सब मेरी लड़की ने किया, मैनेज कर दिया उसने जूम वगैरह, तब से मैं करने लगी, तो मुझे इतना इफेक्ट उसका अच्छा लगा कि मैं अभी वो एक दिन भी छोड़ नहीं सकती, हो प्रोग्राम में रहो, कहीं बाहर गाँव रहो, ट्रैवलिंग में रहो, तो भी मैं केमो हीलिंग लेती हूँ। थैंक यू हेमा जी। जी और बोल रहे हैं आप? सॉरी आपके नेट में शायद कुछ प्रॉब्लम। जी जी हाँ बोलिए हेमा जी, आपके नेट में कुछ प्रॉब्लम है या मेरे, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था इसलिए मैंने टोका, बोलिए। नहीं नहीं हेमा जी आपकी आवाज आ रही है। अच्छा मुझे नहीं आ रही, सॉरी। हाँ मेरा 31st को ऑपरेशन था, तब मैंने मेहा जी को बोला था कि मुझे हीलिंग चाहिए करके, मेरा इसका ऑपरेशन है ओवरी का, तो मेहा जी ने भी बहुत हेल्प की, मेहा जी, ममता जी, वंदना जी, तीनों ने भी बहुत हेल्प की और स्पेशली मुझे हीलिंग दी, तो मुझे बहुत अच्छा, और दोपहर तक मैं उनसे वापस हीलिंग भी ली मैंने, दोपहर में उसी दिन ऑपरेशन हुआ उसी दिन, बहुत अच्छा लगा यार, मुझे इतनी श्रद्धा हो गई कि अभी कुछ भी रहा, कुछ भी ऐसे लगा कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो तुरंत अपना 35 नंबर की गाथा बोलना स्टार्ट कर देते अपने अपने मन में। आप सबका बहुत आभारी हूँ, मुझे टाइम पर मिला, सब जो मिलना था जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मुझे सब टाइम पर मिला, आप सभी लोगों का साथ मिला मुझे, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू हेमा जी। मैं सिर्फ हेमा जी को लेके एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जिस दिन से हेमा जी जुड़े हैं उस दिन से हेमा जी कंटिन्यूअस बिना ब्रेक के सेशन ज्वाइन करते हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग कर रहे हों, चाहे वो कोई भी पार्टी में हो, मास्क पहने हुए दिखेंगे, पीछे बलून्स लगे हुए दिखेंगे, कहीं पर भी हो वो सेशन में हमेशा रहते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात कही जाती है कि आप जिस श्रद्धा भक्ति से, जिस भाव से आप हीलिंग लेते हैं, ध्यान करते हैं, वो आपके शरीर पर वैसा ही असर करती है। तो हेमा जी के लिए यही है, उन्होंने पूरे श्रद्धा भक्ति और भाव से हीलिंग ग्रहण की है, तो वो उस कैंसर से निकल आज एकदम अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। आपकी बहुत बहुत अनुमोदना है हेमा जी, और आपका बहुत बहुत थैंक्स है, आप जैसे सभी जो पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारा आप ही हैं सभी जिनसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू हेमा जी, का हौसला बुलंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने भक्तामर को अपने कंठ में धारण कर लिया, कहीं भी हो, कहीं भी बैठे हो, अंदर में वो चलता रहता है, जैसे अपने गुरुओं के पास में बैठे रहते हैं, सोचते हैं अरे तो हमसे बातें कर रहे हैं गुरु लोग, इधर उधर की बातें करते हैं या अपने माता जी के पास चर्चा करते हैं, लेकिन वो चर्चा हम लोगों के साथ में करते हैं क्योंकि वो उनको अपने से मिलाने का रहता है, क्योंकि अपना इंटरेस्ट कहाँ रहता है, लेकिन उनके अंदर में जो कंठ में जो एक चलता रहता है जिनवाणी, वो पूरी चलती रहती, तो ऐसे ही भक्तामर को जो कंठ में धारण कर लेता है कहीं भी बैठो, ऑटोमेटिक उसके अंदर में चलते रहना चाहिए, तो अगर वो कंठ में आ जाता तो दिन दूर नहीं होता कि उसकी बीमारी रह नहीं पाती। तो ऐसे ही उन्होंने बहुत अच्छा से बताया, बहुत सुंदर, और आप लोगों ने बहुत सुंदर से लिंक की, इसके लिए थैंक यू। बिल्कुल सही कहा ललिता दीदी, हेमा जी वो है कि वो हॉस्पिटल में होती हैं तो भी जूम चालू करके हीलिंग ले लेती हैं, वो यदि कार में होती हैं तो भी हीलिंग चालू करके ले लेती हैं, और वो अपने से तो खुद ही 45वें नंबर का, 17वें नंबर का श्लोक लगातार बोलती हैं। हेमा जी की भी बहुत बहुत अनुमोदना।
चलिए एक और मेरे को बता दीजिए, क्योंकि कल ही आई थी तो मैं रिपीट करूंगी जी। एक और प्रभावना जो आपके मीना जी आप हैं, मीना जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं सबसे पहले तो आज अपने इस हीलिंग को एक वर्ष पूर्ण हुए उसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और सभी दीदी लोग आए हुए उनका भी बहुत बहुत, मतलब उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके भी आपके थ्रू हमें दर्शन मिले। और ममता दीदी, वंदना जी और मेहा जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई इस पूरे वर्ष के लिए। मेरा इस, मतलब मैं आज एक साल से इस बेड पर हूँ, ना चल पा रही और ना उठ पा रही। जब मैं आज इसमें, मैं 7 महीने से जुड़ी हूँ इस भक्तामर हीलिंग में, 7 महीने से जुड़ी हूँ, और मुझे ये ममता दीदी ने बताया, वो मेरी फ्रेंड भी है। और जब मैं, मुझे मेरे पैर पे एक जख्म हुई थी, पर वो मुझे पूरी ओर से क्लियर नहीं हो रही थी, तो फिर मुझे बोले डॉक्टर ने कि इसकी सर्जरी करना पड़ेगा। तो मैंने उसके बाद सर्जरी कराई, तो मेरी जो लेफ्ट थाइस की स्किन निकाल के वहां पे लगानी थी, तो वो मेरी जो स्किन है वो पूरी तरह से रिकवरी नहीं हो रही थी। जब मैंने ये सब कुछ किया उसके बाद मेरी जो स्किन, जो जख्म है वो भी धीरे धीरे पूरी क्लियर हो गई है, और मेरे पैरों में धीरे धीरे ताकत और रिकवरी हो रही है। और मैं इतने आत्मविश्वास के साथ कहती हूँ, ये हीलिंग में बैठी हूँ, और मैं खुद को बोलती हूँ कि नहीं मैं जरूर चलूंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है अपने पर और अपने परमात्मा पर। और हमारे तीनों दीदी वंदना जी, ममता जी और मेहा जी बहुत प्यार से और अच्छे से हीलिंग देते हैं हमें, और बहुत ही सुंदर समझाते हैं। बहुत बहुत इनका तह दिल से धन्यवाद करती हूँ, और सभी का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय जी। और एक बात कहूंगी कि मैं मतलब लेट के ये हीलिंग लेती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मीना जी। मीना जी आपके लिए भी वही है, आप जिस तन्मनता से जुड़ते हैं, जिस भाव से जुड़ते हैं, तो अपने आप तक प्रभु की वो एनर्जी, भक्तांबर जी की एनर्जी पहुंच जाती है, और डेफिनेटली आप एक दिन जरूर खड़ेंगे, चलेंगे और हम जलगांव में मिलेंगे आपसे, यही विश्वास है जी। बिल्कुल। ममता आंटी आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं, आगे ले। ललिता जी आप अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट है ललिता दीदी। मैं क्षमा मांगती हूँ सबसे, क्योंकि मैं अभी 8-9 दिन से बाहर से आई हूँ, और कोई भी नहीं है अभी घर पे, सब लोग बाहर गए हुए हैं, मतलब अभी तक आए नहीं, बच्चे लोग घूमने गए थे, तो थोड़ा सा मेरे को तो व्यवस्था करनी है समय से कर जी सिद्धायतन में। बहुत फोन आ रहे हैं, उनको रूम चाहिए, रूम मिल नहीं रहे तो अभी वहां पे क्या है कि बहुत ज्यादा पोजिशन, मतलब 11 से 14 नवंबर को तो वहां पे दीक्षा है, 5 मुनियों की दीक्षा है, 5 मुनि बनेंगे, दीक्षार्थी है 5 लोग। अच्छा। बाल दीक्षार्थी सब बाल ब्रह्मचारी। अच्छा। हैं और बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन 7-8 साल तक उनको देखने के बाद में ही दीक्षा दी जाती है, क्योंकि जैन दिगंबर दीक्षा बहुत तप दीक्षा होती है, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता एक बार दीक्षा लेने के बाद में, तो उनको पहले से ही पूरा परिचय करके और पूरा उनको जांच करके फिर दीक्षा के लिए अनुमति मिलती है, और दीक्षार्थी के लिए भी लाइन लगी हुई रहती है कि हमको अनुमति मिल जाए। जल्दी से गुरु लोग अनुमति नहीं देते हैं दीक्षा देने की, खूब जांच परख की देते हैं। तो ऐसी 5 दीक्षाएं होने जा रही है सब सीकर जी में 14 नवंबर को, और बहुत सारे IAS और IPS वाला का वहां पे सेमिनार है 2-3 दिन का, और बहुत सारे प्रोग्राम्स है। अरबी चतुर्मास 1 महीना बचा है, 4 महीने 3 महीने कब व्यतीत हो गए पता ही नहीं चला चतुर्मास का, और 1 महीना बचता है। अच्छा। तो बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, तो मैं चाहती हूँ जो भी लोग आए सिद्धायतन में
उसके लिए तो मैं कोटि कोटि सभी को धन्यवाद बोलूंगी कि आके उन्होंने मेरा मान बढ़ाया और खुद तो पुण्य अर्जन किए लेकिन मेरे को बहुत खुशी मिली। थैंक यू। थैंक यू दीदी, आप आए दीदी, बहुत बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे आते रहे, हमें प्रेरणा देते रहे, आशीर्वाद देते रहे, ताकि आपके साथ हम भी आपके बढ़ते रहें आगे, यही आपसे प्रार्थना है। और आपके आने के लिए तो क्या कहूं दीदी, इतना आप कल आए, उसके बाद भी आप आज यहाँ आए, आपने इतना सारा टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा यहाँ पे है बक्तामर, यहाँ पे 2015 में पहला जो शिविर और जैन धर्म के अंदर में बक्तामर का जो प्रचार हुआ, वो समय शिखर जी से पहला वर्कशॉप मंजू जी का करवाया था। उस समय तो अर्चना जी कहीं थी नहीं, उस समय अनीश और हमारे वो थी अनीश के साथ अनीता अगरकर, ये तीन लोग थे, इन तीन लोगों की टीम थी। तो 2 साल के बाद में फिर अर्चना को पकड़ के अनीश लेके गया मंजू के पास में कि इसको PhD करवाइए आप। और अर्चना जी का पहला वर्कशॉप हुआ था कैलकटा, उसमें ओनली 25 लोग थे आपके छोटा सा, और उसमें पूरा वर्कशॉप में मैं बैठी थी, उनका पहला वर्कशॉप था अर्चना जी का। अच्छा, तो आज बता रही हूँ कि बक्तामर का प्रभाव इतना होता है कि आज आप जिस स्टेज में हो ना, 2 साल बाद में आप देखिएगा कि आपका ओरा, आप अभी भी देख रहे हैं कि इसका ओरा कितना बढ़ता चला जाता है अपने आप ही। और जो स्पिरिचुअल पावर से स्पिरिचुअल चीजें जो अपने सोचते हैं वो तो तुरंत ही पूरी हो जाती है। मतलब आपको अपने हस्बैंड को भी मनाने में शायद ज्यादा वक्त नहीं लगता होगा कि यहाँ चलना है वहां चलना, स्पिरिचुअल जगह में, बाकी घूमने फिरने वाली बात अलग होती है। आज जैसे मैं लोगों को देखती हूँ, अर्चना जी इतने लोग मेरे को मिलते हैं, इतना चेंज आया है सब में बक्तामर से जुड़ने के बाद में। वो तो मैं अर्चना जी को देख रही हूँ ना, गुरु क्या करेगा, शिष्य गुरु से ऊपर पहुंच जाता है। तो होते ही तो संसार में होता हुआ आया है, उसमें क्या है, तो ज्ञान के भंडार की बातें हैं। कौन खड़ा करता है किसको, वो मायने नहीं रखता है। उसके बाद में अल्पप्रमाण सागर जी, विद्यासागर जी आचार्य श्री, आज अपने सुधा सागर जी महाराज, सब एक से एक विद्वान आगे अपने अपने लाइन में, उन्हीं के गुरु उन्हीं के शिष्य, सब लोग बढ़ते चले जाते हैं। तो आज अर्चना जी जो अपने शिष्यों को खड़ा करे, उन शिष्यों में से कौन कितना ऊपर उड़ जाएगा, तो अर्चना जी भी देखेंगे अरे कोई ना कोई तो आएंगा ही आगे। तो आना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा, संसार का नियम ही है। और अर्चना जी आपको बता दूं, जलगांव से भी मेरे को 8-10 लेडीज मिली, जो हमारे धर्मेंद्र के बेटे की शादी हुई ना जल, सब बक्तामर से जुड़ना चाहती है। मैं सबको बोलती हूँ, अर्चना जी का नंबर भेज रही हूँ, सब ट्रेनिंग करिए और फिर जुड़िए, पहले ट्रेनिंग उसके बाद में सब कुछ। हाँ सही बोल रहा, ट्रेनिंग से लोग पक्के हो जाते हैं, लोगों को कुछ आता ही नहीं है। आपके जब तक श्लोक पढ़ते हुए मन में भाव नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। उद्भूत भीषण पढ़ते ही आपके मन में ये भाव आ जाए कि हे भगवान, जितने भी हमारे सबसे पहले गुरु आचार्य उपाध्याय साधुगण है, जितने गुरु लोग है, प्रथम जो अपना इलाज नहीं करवा सकते वो स्वस्थ और हो जाए, उसके बाद में हमारे जो जितने शिष्य परिवार वाले सब स्वस्थ रहे, ये भावना करते हुए अगर हम पढ़ेंगे तो अपना आपका तो खुद का कल्याण। तो अर्चना जी बैठी हुई, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है नहीं, वहां पे नहीं, नहीं, आप बोलिए, अच्छा लग रहा है सुनने। तो नहीं, सही बोल रहे हो, आपका प्रभाव तो बहुत है भाई। मैं जहाँ जाती हूँ वही सब लोग आ जाते हैं, सब बोलते तुमको कैसे जानते, तुमको मेरे भाई मुझे भी नहीं मालूम मेरे को कैसे जानते है, पर ये बक्तामर का प्रभाव है जिससे ओरा अपने आप ऊपर उठता चला जाता है। तो एक आदमी अगर 5 आदमी को जोड़ता है तो 5 से 25, 25 से 50, 50 से 100, 200 कब ये बढ़ता बढ़ता पूरा वर्ल्ड ही बक्तामरमय हो जाए एक दिन। देखो जिसको ना कल यूरिन, मतलब परसों के दिन एक की यूरिन, मतलब इतनी, मतलब कंट्रोल नहीं हो रही थी, बोल रहे थे खड़े होए तो, सोए तो, चलते तो, 2 महीने से इस प्रॉब्लम से वो जूझ रहे थे। कितनी डॉक्टर दवाई कराए होंगे उन्होंने सोचो। जब मैंने परसों के दिन यूरिन का लिया था, अभी अलग अलग बीजाक्षर का ले रहे हैं,
परसों यूरिन कर लिया था, तो कल उनने अपने केस स्टडी शेयर की, बोले एकदम बढ़िया हो गया हम लोगों का, एक ही बार में उ बीजाक्षर से उनका यूरिन कंट्रोल हो गया। और बोले हम रोज एक दो को जोड़ रहे, आज तीसरा दिन है, बोले हम रोज बोलते एक दो लोगों को जुड़ो जुड़ो एक दो लोगों को। उसका दो कारण है अर्चना जी, जो शायद सभी लोग, मैंने बहुत बार बोला है, एक तो जब बहुत थक जाते हैं एकदम चारों तरफ डॉक्टर से, लेकिन पुण्य का तेज होता है तो वो फिर भक्तामर से जुड़ते हैं, जुड़ जाता है और उनको फायदा हो जाता है। हाँ, उनको तुरंत फायदा होता है। हम सोचते हैं कि हम क्यों नहीं फायदा हो रहा है, क्योंकि हम बीच बीच वाले हो जाते हैं। हाँ, इतने स्वस्थ और रहते हैं कि इतना भी प्रॉब्लम नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है तो थोड़ा बहुत में जल्दी से असर नहीं होता है, लेकिन जहाँ टफ होता है वहाँ बहुत जल्दी असर होता है। ये लोग ही, उन लोग इतने त्रस्त हो जाते हैं तो उनपे बहुत श्रद्धान होता है, उसको वो ग्रहण करते कि नहीं अब मैं धर्म से ही ठीक होऊंगा, ऐसा दृढ़ श्रद्धान उनके अंदर आ जाता है। अमेरिका वाली लेडी जो 40 साल से अमेरिका में पूरा परिवार रह रहा था और उसका इलाज नहीं हो पाया वहाँ पे, कि कोई इलाज नहीं और उसकी आवाज आ जाती वापिस, इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? घर पे आके दोनों मेरे को सुनाई बात। हाँ, अभी मैं सागर गई थी तो मंजू दीदी ने मेरी भोजन व्यवस्था मेरी मत करना दीदी, मेरे पास सब है, मेरा हो जाएगा। तो दीदी माने नहीं, बोले एक आंटी आई है गांव में रहती कोई 40 किलोमीटर दूर पे, तो अभी उनने यहाँ पर कॉलोनी में बोले फ्लैट बुक किया तो वो आई है, और वो भी 16 का खाती, तो उनके यहाँ मैं गई, उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम बताई अपनी, और इतनी तो पॉसिबल नहीं थी एक दिन में मैं सॉल्व करूँ, तो उनको सारा चीजें मैंने समझा दी, बुक दे दी थी, और फिर उनने अपने बेटी का नंबर दी थी जो गांव में पापा के साथ रह रही थी, और एक बेटी माँ के साथ, उसके साथ इतना बड़ा प्रॉब्लम था कोरोना के वजह से, इतनी भयभीत हो गई थी वो कि कोई कोई चीज छुए या उसको कोई छुए या मंदिर गई और कोई छुए तो उसको डर लगता था, ऐसी अजीब सी हो गई थी। एक ही दो हीलिंग दी और मिली, तुमको रोज मंदिर जाना है, आपका मंदिर जाना है, ये ही सैनिटाइजर है, आप अलग से सैनिटाइजर नहीं लगाऊंगी, और कोई चीज ऐसा नहीं कि नहीं छूना है, सब चीज छूना है, सबको नमोकार मंत्र बोलो छूते जाओ। वो इतनी अच्छी हो गई, आज उसकी मम्मी की जो डायबिटीज 200 से कम नहीं हो रही थी, कल डायबिटीज की हीलिंग दी थी रीम, तो आज वो शेयर करने खुद आ गई हैंड रेज करके कि मम्मी का 130 हो गया, और बोले मेरा तो क्या बताओ क्या लाइफ चेंज हुआ उस लड़की का, आज 28 ईयर्स की है, शादी भी होना है उनकी, और इतनी सुंदर। सोनल भी मेरे साथ थी उस समय, मैंने और सोनल ने एक ही किचन में भोजन किया था, तो वो बोल रही थी कि सोनल जैसी है हमारी बेटी, और आज मैंने उनको देखा जूम पे, और सच में वो सोनल जैसी, इतनी सुंदर और इतना चेंज, वो बोल रही मेरे को लाइफ वापस कर दिए दीदी आपने, भक्तांबर से उसकी लाइफ वापस आ गई, जो वो पहले थी कोरोना में एक डेढ़ साल में वो अलग हो गई थी, कुछ अजीब सा हो गया था, कोई चीज छूना नहीं है, कोई मुझे छू लेगा तो भय फियर उसके अंदर आ गया था, आज एकदम नॉर्मल हो गई। उसकी मम्मी की डायबिटीज भी इतनी अच्छी हो गई, उसके पापा के पैर में दर्द था, पूरे परिवार को इन्हें भक्तांबर छा गया इतने जल्दी, बताइए उसका क्या है, श्रद्धान है उसका। उसकी मैं अपनी बात बताती हूँ प्रभावना के लिए, कि हम लोग शादी में बैठे हैं, भक्तांबर रोज रात में पढ़ते हैं, शाम को एक बार परिवार के साथ में, शादी उधर चल रही है, हम लोग ग्रुप बना के बैठ गए, भक्तांबर का पाठ करने लगे, तो ये जो श्रद्धान है। अब रणथंभौर गए, टाइगर हमारे सामने से निकल रहा है, जीभ खुली है, और वो हम जो वीडियो भेजे सबको तो सब डर रहे हैं कि अरे आपकी जीभ खुली है और आप सामने बैठे और वो टाइगर आपकी जीभ के पास पास से चलता जा रहा है, आपकी जीभ पीछे पीछे हो रही है, आपको डर नहीं लग रहा है क्या? तो ये भक्तांबर का प्रभाव चली है। इनके सुननी अपनी बातें नहीं सुनानी है, सॉरी। नहीं नहीं, ये तो भक्तांबर की प्रभावना है, केस स्टडीज है, हम बता रहे हैं कि भक्तांबर से कैसे लोगों का जीवन परिवर्तन। मुझे तो इतनी खुशी हुई आज वो टीना को देख के, कि पहले दिन वो क्या थी जब मैंने देखी थी और आज वो क्या है, बहुत मतलब इतना परिवर्तन आ जाना। ऐसा एक केस और पिंडरे का था, एक गोंदिया का था, कि जिनको तो आपने शिक्षा को देखा ही था, वो तो उसकी आयु कम थी लेकिन हाँ। उसका तो कैंसर और जिसका जो जैसा उसका हालत थी, पहले दिन मंदिर के बाहर बैठी रहती थी शिक्षा जो 23 साल की लड़की थी, 23-24 साल की, भक्तांबर से जुड़ने के बाद में उसका लाइफ कितना बदल गया था। वो तो उसका आयु उतना ही था क्योंकि वो कैंसर के लास्ट स्टेज में थी, लेकिन उसमें कितनी खुशी आ गई थी अपने आप में, अपने लाइफ को जीने का उसको एक आनंद आ गया। एक और लड़की, उसकी लड़की छोटी सी, अभी अभी शादी हुई, वो भी कोरोना में ऐसे ही हो गई, जैसे बाथरूम में जा रही तो दो दो घंटे बाथरूम में ही है, स्नान ही कर रही है, भोजन कर रही तो दो दो घंटे खाना ही खा रही है। एक हीलिंग दी हूँ उसको, और मतलब 6 नंबर पढ़ना,
8-10 दिन बाद फोन करती, दीदी मैं तो एकदम ठीक हो गई। अब बताइए वो डॉक्टर की कितनी दवाई ले रही थी, वो 6-8 महीने से दवाई ले लेके पस्त हो चुकी थी डॉक्टर की। सिर्फ एक बार 6 नंबर और 45 नंबर पढ़ा है, उसकी मम्मी का फोन आया तो, और वो ठीक हो गई। ऐसे अभी इतने केसेस रोज रोज ही सुबह के स्टडीज हमें सुनने मिल रही है, कितने केसेस ऐसे आ रहे हैं रोज कि जो लोग ठीक हो जा रहे थे। इतना पावर भक्तांबर में और बीज अक्षर में, एक बार पढ़ने से लोगों के कमर दर्द पैर दर्द सब ठीक हो रहा है। चलिए हाँ आगे हीलिंग शुरू कर दे, क्या करें मुझे डॉक्टर। हेलो हाँ, आज बहुत सारी केस स्टडी सुनाए हम लोगों ने, 4:45 हो गया। मेहा जी बताइए क्या करें आगे, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। नहीं हेमा जी कुछ बोलना चाहते हैं दीदी, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुके हैं, फिर उन्होंने अभी हैंड रेस करके कहा कि मुझे कुछ कहना है तो हेमा, हेमा तो हाँ अनम्यूट तो है, आप बोलिए हेमा जी। हाँ जय जय नंदा, जय जय। अभी जब ललिता के पक्तंबर पुण्यशाली आत्माओं का है, पुनवाने होती है तभी एक ये मिल जाता है कि आप सहयोग 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 मिलता है, जब पुण्य का उदय आता है तो किसी न किसी का सहयोग हमें प्राप्त हो जाता है। तभी मेरा क्या पुण्य का उदय था, डॉक्टर ने बोला कि 4 स्टेज है मेरी, तब मैं डॉक्टर को बोली या मुझे बहुत इन्हें बुरा लगा कि मेरी 4 स्टेज है, बहुत रोना भी आया। फिर मैंने इनको बोला कि नहीं मैं तो लाख में एक पेशेंट होकर बताऊंगी करके, और सहयोग ऐसा मिला कि तभी मुझे भक्तंबर का सानिध्य साथ मिला आप लोगों का भक्तंबर का। और दूसरी बार टेस्ट किया तो टेस्ट में जो मेरा हाई था CA 125 जो था वो मेरा 1840 था, और जब सेकंड बार टेस्ट किया CA 125 तो वो 135 आ गया। तो डॉक्टर भी बोले कि अपने और देवाची कृपा, यानी भगवान की कृपा है आपने पर कि अपना रिपोर्ट इतना अच्छा आ गया करके। देखिए बहुत बढ़िया अनुमोदना, 4th स्टेज कैंसर, इतनी रिकवरी लाना जो आपके सामने है। माँ जी लग रहा है इनको कैंसर है, लग ही नहीं रहा। कल रात में मुझे एक दिल्ली से फोन आया, बोले उन्हें कैंसर है वीडियो कॉलिंग में, बोली लग ही नहीं रहा इनको कैंसर है। वो बॉम्बे वाली क्षमा, उनका भी यही 4 स्टेज कैंसर, ठीक, बोले दवाइयां बंद कर दी मैंने तो, और सिर्फ आपकी सुबह हीलिंग ले रही हूँ, जुड़ी है, हमें तो पता ही नहीं था। वो तो ज्ञान दान के लिए उनने हैंड रेज किया तो हमने उनको लिया, तो बोले मेरे दवाई के जो पैसे बचे वो मैं इसमें दे दूंगी, इसमें देना चाहती हूँ। 4th स्टेज कैंसर उनका, बताइए, दवाई लेना बंद कर दी उनने, सिर्फ हीलिंग ले रही हूँ बोले आपकी, बहुत दिनों से मैं जुड़ी हूँ बोले आपके साथ, और दवाई के पैसे जो बचे वो किताबों में दूंगी बोले। हैंडरेज की तो हमने ले लिया तो हमें पता चल गया, ऐसे तो हजारों लोग रोज जुड़ रहे हैं, पता ही नहीं चलता किसका क्या हो रहा, किसी को ले लिए तो पता चल जाता, नहीं लिए तो पता नहीं चलता। तो उनका भी कैंसर और आपका भी, आप भी बिल्कुल फ्रेश लग रहे हो, कोई जज नहीं कर सकता कि आपको कैंसर था करके। 4th स्टेज कैंसर, इतना अच्छा, बहुत अच्छा है हेमा जी, बहुत अच्छी केस स्टडीज आपने बताई। जलगांव बैंड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये कि आप जलगांव बैंड से जुड़े और आपने इतना अच्छा हीलिंग लेकर, बहुत बहुत मेहा जी और उनकी टीम को बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सहयोग किया मेहा जी, ममता जी, वंदना जी ने बहुत सहयोग, और आगे भी करते रहे बस। आपको देख के हमको प्रोत्साहन आता है और कि अपन बहुत ज्यादा हीलिंग दे। हाँ सच में जब ठीक हो जाते हैं तो मन में ऐसा भाव आता है कि और दे और दे और दे और दे नहीं पाते, लेकिन आते हैं फोन उठा नहीं पाते, इतनी व्यस्तता हो जाती है, हो जाती एक है। के बाद एक के बाद एक, सुबह एक तो 3 घंटे सेशन हो जाता है, फिर उतरो नीचे उतरो नहीं, सेंटर से नीचे भी नहीं आओ और शुरू हो जाते फोन। सही सही बात है। दे नहीं पाते इतने लोगों को, इसलिए अब ये जो सेंटर खुल गए और लोग इतने बेनिफिट हो रहे, मेरे मुझसे तो मुझसे बढ़कर खुशी शायद किसी को नहीं हो सकती, क्योंकि मैं इतना संभाल नहीं पा रही थी, और आज मेरे 50 और 3 और अभी खुलना है, 53 सेंटर्स, और सब इतने अच्छे काम कर रहे कि 4th स्टेज का कैंसर ठीक कर दिए हेमा जी, वन्ना जी, इन लोगों ने, ममता जी ने, ये बहुत बड़ी बात है। तो
ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सेंटर में सब लोग इतने निस्वार्थ निशुल्क तन मन धन लगाकर, तन मन ही नहीं धन लगाकर काम कर रहे हैं सब लोग, बहुत अच्छा। थैंक यू अर्चना दीदी। जलगांव सेंटर एक दिन भी बंद नहीं रहा, अकेले रहे तो अकेले लेंगे, लेकिन सेंटर एक दिन भी बंद नहीं रहा। बहुत बढ़िया अनुमोदना। देखिए जलगांव सेंटर एक दिन, संडे के अलावा एक भी छुट्टी नहीं, संडे के सिवा एक भी छुट्टी नहीं है। बताओ जलगांव इतना अच्छा चल रहा है, वैसे दुर्गापुर कलकत्ता बहुत सारे सेंटर बहुत बहुत अच्छे चल रहे हैं, सभी जयपुर के पूरा भक्तांबर भी चर के साथ में फिर अनुष्ठान करवाते, दीप अनुष्ठान अर्क अनुष्ठान, हमारे वंदना जी बहुत अच्छा अनुष्ठान करवाते। अच्छा हाँ वाह 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 बहुत बढ़िया। परसों ही हमारा अनुष्ठान हुआ बर्थडे के लिए, बहुत अच्छा। देखिए आप लोग अपनी आईडी इस पे डाल दो और अपना समय दे दो तो लोगों को और जुड़ना है तो जलगांव ब्रांच में भी जुड़ सकते हैं लोग। चलेगा अब जिसको समय रहा उस ब्रांच में जुड़ गए। अपनी ब्रांच सुबह 5 बजे से रात के 11:30 तक चल रहा है, जब जिसे जिस समय समय है अपना इसमें डाल दीजिए आप लोग आईडी और अपने समय भी डाल दीजिए, इतने बजे से इतने बजे तक। अच्छा दीदी आपकी प्रेरणा है, आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, आप जैसे बस हीरिंग देते हैं हम भी कोशिश वही करते हैं। खैर हम बहुत छोटे हैं अभी तो, ज्ञान में भी और ध्यान में भी, लेकिन हम हमारे तन मन से पूरा जुड़ते हैं और यही भाव रखते हैं कि निस्वार्थ एक पैसे का एक दाने का भी कोई स्वार्थ ना जुड़ा हमारा इसमें, तो उसी उससे हम तीनों यहाँ बैठते हैं और तीनों हीलिंग देते हैं। ममता आंटी भी बीमार हैं कुछ है, मैं नहीं हूँ, ममता आंटी ऑलवेज देयर, और वंदना जी तो वंदना जी ही हैं, वो भी हमेशा रहते हैं। और जैसे ममता आंटी ने कहा विधान पूरा एक एक चीज से करवाना, सब चीजों की जानकारी के साथ एक एक मंत्र रिद्धि तो पता ही होता है सभी को, लेकिन अर्ग वगैरह जितना प्रोसेस है वो एक एक पूरे प्रोसेस से कराते हैं। दीदी तीन हैंड रेज है यहाँ पर, ले लीजिए ले लीजिए। विभ जो एक है उन अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। जय जिनेन्द्र, पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना दीदी का बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत खुशी हुई आज हमारे सेंटर पर उनको देखकर मुझे। मैं पिछले जुलाई से जुड़ी हुई हूँ, उसके बाद में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी सितंबर में, तब ममता जी और नेहा जी मुझे हमेशा हीलिंग देती थी, मैं हॉस्पिटल में थी तब भी। मुझे किडनी का प्रॉब्लम है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, पिछले अक्टूबर में ही डॉक्टर ने बोला था कि आपको डायलिसिस शुरू करना है। मैं जुड़ी नहीं जुड़ी पर भी वो लोग मुझे हमेशा हीलिंग देते हैं और मैं जब भी मेरी तबीयत अच्छी रहती है मैं जुड़ती हूँ। और मेहा जी अलग से मुझे वापस हीलिंग देती है, क्योंकि मैं अभी यूएस में हूँ तो मेरा टाइम सुबह 8:15 वो आपका वहाँ का 6:15 का टाइम रहता है शाम का, तब मुझे देती है। पर मेरी अभी तक डायलिसिस शुरू नहीं हुई है ये हीलिंग की वजह से, इसका मुझे बहुत बहुत खुशी है, बहुत और शुरू भी नहीं होंगी। आप दर श्रद्धा रखिए, कभी डायलिसिस शुरू ही नहीं होंगी। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, मंजू दीदी का आशीर्वाद चाहिए। मैं पिछले जुलाई महीने से आप दोनों का जो भी दोपहर का सुबह का सेशन रहता था हमेशा सुनती रहती हूँ। देखो बहुत अच्छी, डायलिसिस इतना बेकार आइटम है, मुझे सबसे ज्यादा बेकार लगता है डायलिसिस, और ये आपको शुरू नहीं हुआ ये बहुत बड़ी बात, भगवान की कृपा है। और आगे भी भक्तांबर की ऐसी ही एनर्जी आप लेते रहिए, कभी शुरू ही ना हो जीवन। बस बस आपका आशीर्वाद चाहिए आज मैं प्रोग्राम में। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को हीलिंग दी हूँ और डायलिसिस में वो बच्चे हर वीक कितना परेशान होते हैं मैंने देखा है, इसलिए मैं भगवान से हमेशा यही कृपा करती हूँ 17 नंबर जब भी श्लोक पढ़ती हूँ कि भगवान ये डायलिसिस किसी को मत दे, बाकी भलाई थोड़ी मोड़ी बीमारी तो ठीक हो जाती है लेकिन डायलिसिस एक बार शुरू हो जाता है तो बहुत मतलब समय। ममता जी का और मैं ममता जी का और वंदना जी का भी जब मेरी पर्सनल हीलिंग मेहा जी देती है कभी वो नहीं दे पाए तो वो लोग भी जुड़कर हमेशा हीलिंग देते हैं मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत जलगांव बेंच बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत खुशी हुई सुन के। आपने बताया, हेमा जी ने बताया, और भी लोगों के हैंडरेज हम सुनेंगे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जलगांव बेंच इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद हमेशा बना रहे हम लोगों पर। थैंक यू धन्यवाद आपको, कभी भी शुरू ना हो मैं तो बोलती हूँ। हाँ सही बात है।
ऐसे ही रहो, आप बढ़िया लग रहे हो अभी, स्वस्थ मस्त। हाँ, और डॉक्टर भी बोलते हैं कि इतना रिपोर्ट ऐसा आता है पर मुझे सिम्टम्स कुछ भी नहीं है। हाँ, वो तो नहीं रहते कि आप बीमार हो करके कहीं। हाँ, डॉक्टर भी ऐसे ही बोलते कि लगता नहीं है आपको, ना थकान लगती है, मैं वॉक इतना करती हूँ, योगा कर सकती हूँ, इतनी हाई तबियत ऐसी है तो भी। बाप रे, बहुत बढ़िया, उसी की एनर्जी आपके पास इतनी। हाँ, बस भक्तामर की एनर्जी बहुत, मेरे तो इतना श्रद्धा, इतनी विश्वास बैठ गई है भक्तामर जी के ऊपर कि पता नहीं। बहुत अच्छा, पंकज जी को लेते हैं। थैंक यू विभा जी, बहुत सुंदर केस स्टडी हमारे जलगांव बेंच के हमें सुनने मिला आज पहली बार। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना सुचारू रूप से और इतना सिस्टमेटिक काम हमारी जलगांव बेंच कर रही है, हमारे भी मतलब हमारे सोच से भी परे इतना सुंदर जलगांव बेंच काम कर रहा है। ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, कितने सारे पेशेंट ठीक करे जलगांव बेंच ने, बहुत सुंदर। हाँ पंकज जी। जय जिनेन्द्र, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र, मैं अप्रैल से जुड़ा हुआ हूँ। वंदना दीदी ने मुझे बहुत प्रोत्साहित करके, और मेरे जीजा जी बहुत ज्यादा अस्वस्थ हो गए थे कोरोना के वजह से, तो वंदना दीदी ने उनको हीलिंग दी और वो बहुत ही जल्दी रिकवर हुए और बहुत ही जल्दी उनको आराम लगा। और उसके बाद जैसे ही मतलब जब भी हमारा ये 3:15 बजे का जो हीलिंग का वो रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 बजे भी मैं मोबाइल और अपना सब सेट करके बैठ जाता कि भाई अपना हीलिंग का समय चालू होने वाला है। वो मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब भक्तामर जी तो अपने भगवान आदिनाथ स्वामी जी का जो है आचार्य मानतुंग आचार्य जी महाराज जी ने जो लिखा हुआ तो मुझे बहुत श्रद्धा है। और ऐसा दीदी मेहा दीदी, वंदना दीदी, ममता आंटी, इन्होंने इतना अच्छे तरीके से सुचारू चलाए हैं कि बिल्कुल मतलब हम लोगों को बहुत ज्यादा मतलब फायदा मिला है और बहुत ही अच्छे तरीके से सेशन को बहुत संभालते हैं। कभी कभी ऐसा मौका आता है कि दीदी लोग अकेले रहते हैं लेकिन पूरा पूरा वो एक एक काव्य जो भी लेना रहता है सारे के सारे वो लेते हैं और सभी को बराबर हीलिंग देते हैं। वो हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा दीदी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, ममता आंटी का, वंदना दीदी का, मेहा दीदी का। और हमारे लिए मेहा दीदी ने तो ये वाली जो पुस्तक है भक्तामर जी की हमारे लिए बाया कोरियर हमको भेजा, और हमारे लिए मैं जब भी अगर मैं कभी भी मुझे रहता है तो मैं अकेले बैठ करके अपना पाठ करता और हीलिंग अपने जब भी मतलब हीलिंग का समय जो नहीं रहता तब भी मैं करता हूँ और लेता हूँ। मुझे बहुत श्रद्धा है और दीदी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमने दीदी लोगों से जुड़ के मेरा एक बहुत पुण्य उदय है कि मैं पुण्यशाली जीव हूँ जो कि मुझे आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला है, और मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद कहता हूँ। और मुझे आज जुड़ने में भी बहुत अच्छा लगा। और अभी दीदी का जो हो रहा था कि भाई बर्थडे का जो अनुष्ठान वगैरह तो वंदना दीदी बहुत अच्छे तरीके से कराती हैं, बहुत ही दीदी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि ऐसे ही हम जुड़े रहें और हम लोगों को उनका धर्म लाभ मिलता रहे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, पंकज जी ने बहुत अच्छे के अपना अनुभव अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि दीदी लोगों से जुड़ के उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, भक्तांबर पे बहुत विश्वास है। ये इसी लिंक पे सुबह भी 6:30 बजे प्रोग्राम चलता है, कभी आपको लगा किसी को जोड़ना है इसी लिंक को आप आगे सर्कुलेट कर दीजिए, जो परेशान हो रहे हैं डॉक्टर्स के यहाँ यहाँ वहाँ, आप उनको इसी लिंक पे सुबह भी जोड़ सकते हैं, दोपहर में भी ये चल रहा है, उसकी लिंक अलग रहती है दोपहर वालों की, लेकिन ये जो लिंक है ये आज जो ज्वाइन हुए आप लोग इस लिंक पे सुबह प्रतिदिन आज 550 दिन होने जा रहे हैं, 6:30 से 9:30 तक हीलिंग चलती है, तो आप कभी भी इस पे भी जुड़ के किसी को जोड़ सकते हो, स्वयं भी हीलिंग ले सकते हो। बहुत सुंदर पंकज जी ने भी बताया जलगांव ब्रांच के बारे में। और एक हैंड रेज है हमारे पास रोशन पटवारी जी का, उनका वीडियो बंद है, जब तक हम एक को हीलिंग दे देते हैं। ज्योति बहन हैदराबाद है या लेफ्ट हो गए हैं, वो भी दीदी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते। हाँ, ये देखिए इसमें डल गया है, मेहा जी ने डाल दिया है क्या ये?
नेहा जी, ज्योति बहन हैदराबाद है क्या? ज्योति नाम है, हैदराबाद नहीं दिख रहा है वन्ना जी। चलिए एक ये आ रहा है, इनको ले लीजिए, किसी को हीलिंग चाहिए। ये देख रहे हो आप, मलेरिया हो गया है, एस्ली फार्म मलेरिया हो गया। कौन नाम है, क्या नाम है इनका? रोशन पटवारी का हैंड रेज है। शशि जैन हैदराबाद नहीं लिखा है, ज्योति शाह लिखा है। ओके, नैतिक अग्रवाल है ना, इनको हीलिंग देना है। हाँ, इनका हैंड रेज है। नैतिक अग्रवाल जी, वीडियो ओपन कर दीजिए, आपको हीलिंग चाहिए वीडियो। हाँ नैतिक अग्रवाल। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र दीदी, एक्चुअली मैं शशि जैन है ना, शशि जैन कलकत्ता से, उनकी बेटी बोल रही हूँ। दीदी एक्चुअली पापा का, आप रोज हीलिंग कर रहे थे ना, जो यूरिन का प्रॉब्लम चल रहा था, उन्हीं को मलेरिया आया दीदी। अच्छा, उनको मलेरिया आया है। पापा है अभी? नहीं दीदी, उनको शायद हॉस्पिटल लेके गए हैं, हॉस्पिटलाइज करने बोला गया उनको। उनके लिए मंत्र पढ़ देते हैं, फोटो होंगी तो फोटो ले लीजिए उनके हाथ में। चलिए, जिनके यूरिन का हमने अभी एग्जाम्पल दिया था, उनको मलेरिया आया है, उसके लिए हम एक बार मंत्र पढ़ देते हैं इमेजिन करके उनके लिए। मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जात, संतान कादि कुसुमोत्पर वृष्टि रुद्धा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत्र पाता, दिव्या दिवा पततिते वच शांत तीर्वा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान शिति परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो आमो सही पत्तानम झूम झूम नमः स्वाहा। बीज मंत्र। भम 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 उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, सोचम दशा मुपगता शुद्ध जीविताशा, तत्पाद पंकज रजो वृत दीग्ध देहा, मक्ता भवन्ति मकर धज तुरूप। ओम नमो भगवती शुद्ध पद शांति कारिणी रोग
कष्टजरोप शमनम शांति गुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। स्वस्थोहम सुरक्षितोहम ओम नमः आरोग्योहम परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम। बोलिए आदिनाथ भगवान की। ठीक है। आगे किसे लेना है? हैंड रेज है तनुजा जैन। तनुजा ज्योति जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। ज्योति जी भी काफी देर से वेट कर रहे हैं दीदी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अच्छा हाँ, ज्योति जी। जय जिनेन्द्र अर्चना जी। जय जिनेन्द्र ज्योति जी और वन्ना जी मेहा जी और अंता जी सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मुझे बोलने का मौका दिया आपने। अर्चना जी को बताए ये तो हैदराबाद आके गए हैं का सेशन अटेंड किया था तब से मुझे बक्तामर का तो बहुत कुछ अच्छा एक्सपीरियंस मिला था और उसके बाद जैसा ये चालू हुआ तो मेरी ननंद मेरे पास आए थे उन्होंने बोला ऐसा ऐसा चालू हुआ है तो इसमें ज्वाइंट हो जा बोल के मैं ज्वाइंट हो गई। जब मेरे पति का देहांत हो गया था अचानक से तो इतनी हिम्मत मिली है कि आज मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं इस पे जुड़ गई उसकी वजह से। और कुछ भी रहता है तो वन्ना जी मेहा जी इतने अच्छे से बात करते हैं और इतना अच्छा बोलते हैं कि मुझे बहुत सारी हिम्मत मिलती है इनके शब्दों से और जो इनकी वाणी में जो है वो तो मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। और जिस दिन ऐसा एक परिवार सा लगता है जिस दिन ये मिस हो जाता है उस दिन ऐसा लगता है कि आज मेरा वक्ता में रह गया बल्कि आज मेरे से नहीं हुआ बल्कि। और मैं इसी दौरान मुझे लंदन आने का हुआ मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो गई तो मैंने मेहा जी से बात किया कि मेरी बेटी ऐसा ऐसा प्रेग्नेंट है तो आप उसके लिए कुछ मेरे को दो कि मैं जिसकी वजह से मेरी बेटी का अच्छे से और उसको ब्लड प्रेशर का बहुत प्रॉब्लम था तो उन्होंने मेरे को अच्छे से भेजा पूरा लिंक भेज दिया कि इसमें आप इसको बोलो और मेरी बेटी ने वो पूरा 9 महीने सुना है और उसको उसका ऑपरेशन नहीं हुआ नॉर्मल डिलीवरी हुई मेरी बेटी। बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत अच्छा। और वन्ना जी भी इतना हेल्प करते हैं। ममता जी तो ममता की मूर्त है उनसे उनके बारे में कुछ उनका तो मांगलिक सुनना ही इतना अच्छा लगता है कि भक्ता मत तो सुनती हूँ मांगलिक भी उनका नहीं सुने तो ऐसा लगता है कि आज मांगलिक नहीं मिला वो नहीं है तो। और उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है ना कि बॉन्डिंग बहुत मस्त है और भगवान करे ऐसी रहे और हम हमेशा इनके साथ रहेंगे और हमेशा जुड़ते रहेंगे और जब भी वो और जितने हो सकेंगे उतने मैं पार्टिसिपेंट इनके साथ जुड़ाते रहूंगी। आज भी मेरे तरफ से एक जन सीमा बहन बोल के आए हुए हैं उनका ऑपरेशन हुआ है हार्ट का और उन्होंने आज जुड़े हुए हैं और उनको मैंने बोला कि आप रोज बैठो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा तो उन्होंने इतने खुश हो गए कि नहीं आज से मैं जुड़ जाऊंगी कैसा भी बोल के। जरूर उनको जोड़िए। और स्पेशल हृदय का हीलिंग भी हम अभी देने वाले एक दो दिन में सुबह इसी लिंक पे अलग अलग दे रहे हैं जिसमें हृदय का 2-3 दिन बाद देंगे अभी 2 दिन हम है नहीं तो उनको सुबह भी जोड़ के वो हृदय का स्पेशल हीलिंग हृदय चक्र करके स्पेशल हीलिंग होगा वो उनको जरूर दिलवा दीजिएगा एक दिन 2-3 दिन बाद। हिम्मत मिली है इनके भक्तामर सुनने से। मैं खुद नौकार मंत्र की जाप कराती हूँ मुझे नौकार पे इतनी श्रद्धा है जैसा आप बोलते हो ना कि सब भक्तामर पीछे चलता रहता है वैसे मेरा नौकार मेरे पीछे चलते रहता है लेकिन इतनी श्रद्धा है नौकर के ऊपर मुझे और नौकर और ये भक्तामर मिल गया उसके साथ में तो बोलते हैं ना सोने पे सुहागा हो गया है तो मुझे तो इतनी हिम्मत मिली है जीने के लिए कि पता नहीं मैं नहीं बोल सकती। बहुत अच्छा। देखिए जिनके पति का देह विसर्जन देह परिवर्तन हुआ तो इन्हें भक्तांबर ने संबल दिया। आज भक्तांबर ने देख रहे हो आपके सामने इतनी कम एज में यदि हमारे पार्टनर हमारे साथ नहीं है
तो वो ही समझ सकता है जिनके साथ जो नहीं है वो दुख, और वो संबल जलगांव बेंच के माध्यम से, भक्तांबर के माध्यम से, मेहा जी, ममता जी, वन्ना जी के माध्यम से इन्हें मिला। ये तो मुझे, मेरे भी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे हैं, मेरे लिए बहुत खुशी की बात हो रही है एक एक चीज सुना रहे हैं तो, कि ये कैसे सेंटर खुलते गए। सबसे पहले 12 सेंटर, फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे 12 सेंटर खुले थे, कैसे कैसे खुलते गए और कैसे लोग ट्रेनिंग लेते चले गए, कैसे लोग ट्रेनिंग लेते चले गए और कैसे ये सेंटर खुलते चले गए और कैसे कैसे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जब एक एक साल हो जाता है लोग अपने एक्सपीरियंस बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अभी अभी वो जन्म हुआ है लेकिन वो 2 महीने की है, लेकिन मैं उसको जब भी बिठाती हूँ ना अच्छे से सुनती है क्योंकि उसने पूरे 9 महीने सुना है। यही ऐसे सेम केस एक और है कनाडा में और एक अमेरिका में, दोनों भाई बहन जब उस समय प्रेग्नेंट थे, भाई की मिसेस और बहन, जब मैंने उनको गर्भ संस्कार किया और जब हीलिंग दिया तो उसके बाद उनकी बेटी, जब उनकी मम्मी लेके बैठी रो रही थी तो सिर्फ मेरी आवाज सुन के, क्योंकि टेप रिकॉर्ड उनने मंगवाया था मेरे आवाज का, तो वो टेप रिकॉर्ड सुनती थी तो उसने पेट में वो टेप रिकॉर्ड सुना है। और जब मेरी आवाज उसने सुनी, जब मैंने हीलिंग दी वैसे फेस टू फेस झूम पे, तो वो चुप हो गए और ऐसे देखने लगी। तो वो बच्चे भी समझते हैं आवाज वगैरह क्या है, तो वो टेप सुनाती थी उसको जब वो पेट में था। तो वैसे ही वो बेटी के 9 महीने सुना है, मंगा है ना आज तक पूरे मुझे ऐसे ही भेजे, और मैं कितने लोगों को वो बुक्स भेज दी हूँ तो सब लोग अभी जैसे उनके पास ये नहीं पता है, उनको भक्तामर बोले तो उसका रिद्धि और मंत्र और ये सब, हमारे पास खाली भक्तामर ही रहता था, ये सब नहीं रहता था, कई तो लोगों के पास सिर्फ शौक। और हमारे एक हंसा बेन बोल के है, उनको तो इतना भक्तामर सीखने का बहुत शौक हो गया है कि मेरे को सीखना है बोल के अभी उनको ट्रेनिंग में जोड़ दीजिए, शाम को ट्रेनिंग चलता है। वन्ना जी ने जोड़ा है उनको, जोड़ा है ट्रेनिंग, शाम को चलता है ट्रेनिंग क्लास 8 से 9:30 तक, जोड़ा है कि वन्ना जी? नहीं नहीं दीदी, ट्रेनिंग में नहीं है वो, नहीं वो अभी सब में बिजी हो गए थे, नहीं तो मैंने कहा था कि मैं पर्सनल आपको सिखा सकती हूँ, अभी ट्रेनिंग में जोड़ देंगे अपन। हाँ, जिसे भी सीखने की इच्छा है ट्रेनिंग में जोड़ दीजिए, फिर उनको आगे कोऑर्डिनेटर बनना है या सेंटर खोलना है तो उसके लिए अच्छा रहेगा। जलगांव के 8-10 लोगों को ललिता जी ने कहा है कि वो लोग। हाँ बोलिए। इनकी जो भाव श्रद्धा, जो श्रद्धा से सबको देते हैं ना, इसलिए सबको काम आता है वो। सही बात है, बहुत अच्छा। देखिए लेकिन उन देने वाले का तो भाव और श्रद्धा इतना अच्छा है कि लेना हमारा काम है, हमारे में ताकत होनी चाहिए कि हम ले। बिल्कुल सही, दाता और ग्राही, दाता तो दे रहा है लेकिन ग्राही उसको कैसे ग्रहण कर रहा है। हाँ, वो तो सभी को दे रहे हैं, आपके सेंटर में 100 लोग जुड़े, सभी को दे रहे हैं वो, भाई 100 के 100 लोगों को क्यों फायदा नहीं हो रहा है। उनकी लेने की कैपेसिटी उस समय कैसी थी, उनका मन कहीं भटक रहा था, उनका फेथ कैसा था, उनके श्रद्धा भक्तांबर पे जितना है उतना ही आपको इन पे होना चाहिए। मेहा जी, वन्ना जी, जलगांव बेंच से आप यदि ले रहे हो उतना ही श्रद्धा वो हीलर्स पे भी आपको होना चाहिए। यदि मुझसे कोई ले रहा है जितना श्रद्धा हमें भक्तामर पे, तो मुझसे भी उतना ही होना चाहिए। जब वो काम करता है हमें रिस्पेक्ट होना चाहिए, दिनवानी पढ़ने वालों के प्रति भी उतना ही रिस्पेक्ट होना चाहिए, तो वो बहुत जल्दी काम करता है। सही बात है, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, एक से बढ़ के एक केस स्टडी। जलगांव के सभी लोग बहुत अच्छा अच्छा बता रहे हैं, जलगांव बैंक बहुत अच्छा काम कर रही है, इतने सरल स्वभाव के लोग सब जलगांव बेंच में। दीदी हम तो आपके आवाज है कि आपने हमें काबिल समझा, दीदी हम आपके आभारी हैं। आप लोगों में भी वो उपादान शक्ति थी, हमने तो 400 हीलर तैयार करे, आज 200 हीलर ही काम कर रहे हैं। जांच चलाने लगे और हमें लोगों से इतना प्यार मिलने लगा, ये सभी हमारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है। जलगांव बैंक इतना अच्छा काम कर रही है सुन के, बीच बीच में आप लोग सब अपने अपडेट देते जाइए, अभी 1 साल बाद हमें ये सुनने मिल रहा है जलगांव बैंक का, बीच बीच में आप लोग बताते जाइए कभी कभी कि हमारा ये ऐसा चल रहा है, हर 2-3 महीने में थोड़ा थोड़ा अपडेट देते जाइए, कभी कभी सुबह के सेशन में आके भी अपने इसके बारे में बोलते जाइए, एक एक सेंटर के बारे में 2-3 महीने में एक हाथ बार कभी सुबह जुड़ गए
अपने जलगांव बेंच के बारे में बता दिए, कभी कोई अपने बेंच के बारे में, कभी कोई अपने बेंच के बारे में, संडे के संडे बता देते जाइए तो लोग और भी जुड़ेंगे, जैसे 3 बजे की 3 बजे का समय जिन्हें फ्री लगता है, छूट होता है, तो वो फिर उसमें जुड़ते भी जाएंगे सुबह के भी लोग, सुबह जो सेशन में इतने सारे लोग बैठे रहते हैं ना, अभी भी 200-250 लोग सुबह बैठे ही रहते हैं, तो उन्हें यदि दोपहर में और हीलिंग चाहिए तो जलगांव बैंक से ले, जिसको जो समय छूटे, बट अपने तो 50 सेंटर चल रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है जलगांव बैंक, बहुत अच्छा लगा ज्योति जी, थैंक यू, बहुत अच्छी स्टडी आपने सुनाई, आप सब पधारे और हमारा सब सुनने के लिए इतना टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू ज्योति बेन, आपके लिए वही है, आप भी उतनी श्रद्धा भक्ति से जुड़ते हैं इसलिए वो हीलिंग पहुंच पाती है। थैंक यू वेरी मच ज्योति बेन। वंदना जी। जी मैं आ गई। अब आज इनका नेट गड़बड़ हो रहा क्या वंदना जी का? हाँ बोलिए मेहा जी। दीदी जैसा अब रात्रि समय हो रहा है, काफी लोगों का रात्रि भोजन त्याग होता है, तो अगर आपकी अनुमति हो तो हम सभी का आभार प्रकट करते हुए आज के सेशन को यहीं पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टाइम हो गया है, रात भी जल्दी होती है। दीदी मैं कुछ पंक्तियां बोलकर, मेहा जी। जी वन्ना जी। दीदी आज्ञा दें तो मैं कुछ पंक्तियां बोलकर इस सेशन को यही विराम देती हूँ। गुमनाम थे अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने लगे, पृथ्वी से आकाश की ओर बढ़ने लगे, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर बढ़ने लगे, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने लगे, प्राणी से परमात्मा की ओर बढ़ने लगे। आईवीएस एक परिवार ही नहीं बहुत बड़ा कुटुंब है, एक वट वृक्ष जिसकी हम शाखाएं हैं, ये कुटुंब यूं ही फलता फूलता रहे, चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ भक्तामर गुंजायमान हो, बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, आईवीएस का हर तरफ नाम हो, आईवीएस का हर तरफ नाम हो। इसी शुभ भावों के साथ में हम आप सभी का बहुत बहुत आभार मानते हैं। अर्चना दीदी आपने भी बहुत टाइम दिया, ललिता दीदी ने भी बहुत अपना कीमती समय दिया, मंजू दीदी, विनय भैया सब ने अपना अमूल्य समय दिया और आज हमारे 1 वर्ष इस ब्रांच के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, साथ ही हमारे जो इतने पार्टिसिपेंट जुड़े थे वो सभी का हम जलगांव ब्रांच की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद 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 देते हैं। जय जिनेंद्र। चलिए दीदी फिर आज के सेशन को यही विराम देते हैं, जलगांव सेशन में 3 बजे हम जलगांव देते हैं और अर्चना दीदी सुबह 6:30 बजे आईवीएस की मेन आई पर सभी मिल सकते हैं, तो सभी से आग्रह है कि हीलिंग जहां पर भी आपको जमे आप जरूर लें और स्वस्थ होकर प्रभु के मार्ग पर बढ़ते रहें बढ़ते रहे बढ़ते रहे। सबको सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। थैंक यू पूरे जलगांव बैंक को एक बार और थैंक यू, लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, अभी भी जय जिनेंद्र, अभी भी एंड हो रहा है सेशन तो भी 60 लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का स्वागत है। इसी आईडी पे आप लोग को हीलिंग चाहिए हो तो सुबह 6:30 बजे मास हीलिंग होती है, आप लोग सुबह शांति धारा लीजिए और फिर देखिए और उसके बाद हीलिंग और फिर आध्यात्मिक सेशन भी होता है जिसमें हम तत्वार सूत्र पढ़ा रहे हैं, आप लोग को वो पढ़ना है तो उसमें भी आप लोग जोड़ सकते हैं इसी आईडी पे सुबह। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। एंड करें, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। अरे एंड पे दबाए, मन नहीं हो रहा ना।